यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो आज हम रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक टीडीएस एंड टीसीएस को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टीडीएस। मैं बता दूं, इस बार इंस्टीट्यूट ने जो टॉपिक वाइज वेटेज दिया है उसमें टीडीएस टीसीएस से उन्होंने 10 to 12 मार्क्स का वेटेज दिया है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना इस बार। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं टीडीएस एंड टीसीएस। सबसे पहली चीज अपन पढ़ेंगे टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देर आर ऑलवेज टू पार्टी, वन इज द पेयर, वन इज द पेई। पेयर टीडीएस काटेगा किसका? पेई का। कौन सी रेट से काटेगा? जो भी प्रिस्क्राइब रेट दे रखी है उस रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर टीडीएस कब काटना है, पेमेंट के टाइम पे या क्रेडिट द पार्टी के टाइम पे? आंसर इज टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी, व्हिच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो अर्लियर वाला इवेंट रहेगा, दोनों में से जो पहले इवेंट रहेगा उस टाइम पे आपको टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, पांच पेमेंट ऐसे हैं जिसमें टीडीएस काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है, क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे नहीं काटना। सर ये कौन कौन से पांच पेमेंट है? सबसे पहला सैलरी, सैलरी के केस में। सेकंड इज विनिंग। तीसरा ईपीएफ का पेमेंट। चौथा अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट है और वो मैच्योरिटी अमाउंट अगर टैक्सेबल है तो। और पांचवा जो तुम्हारा पेमेंट है, दैट इज द अगर आपका प्रॉपर्टी है वो कंपलसरी एक्वायर्ड हो जाता है और उसका कंपनसेशन। ये पांच पेमेंट ऐसे है जिसमें टीडीएस काटना पड़ेगा ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी। लेकिन पांच व्हिच एवर इज अर्लियर वाला, लेकिन पांच पेमेंट, पांच ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको टीडीएस काटना है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सेकंड, फर्स्ट इज अ विनिंग, सेकंड इज अ सैलरी, थर्ड इज द ईपीएफ का पेमेंट, फोर्थ इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, एंड लास्ट इज कंपलसरी एक्विजिशन पे कंपनसेशन। अब एक बात समझना सर, टीडीएस की जितनी भी रेट होती है वो रेट फ्लैट रेट होती है या फिर यू हैव टू एड द एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज? आंसर इज ऑल रेट्स आर द फ्लैट रेट। टीडीएस की जितनी भी रेट रहेगी 2%, 1%, 10%, 5%, ऑल रेट्स आर फ्लैट रेट। लेकिन दो जगह आपको एजुकेशन सेस सरचार्ज कंसिडर करना पड़ेगा, एक तो सैलरी का पेमेंट। अगर सैलरी के केस में टीडीएस काट रहे हो तो वहां पे आपको एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सरचार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। सरचार्ज तभी कंसीडर करोगे जब इनकम है वो 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है, बेसिकली 50 लाख से ज्यादा है इंडिविजुअल के केस में। एंड नॉन रेजिडेंट को अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को आप जब भी कुछ भी पेमेंट करते हो तो आपको एजुकेशन सेस सरचार्ज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैंने बोला ऑल टीडीएस रेट्स आर द फ्लैट रेट, बट इन टू केसेस यू हैव टू कंसीडर द एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज। फर्स्ट इन केस ऑफ द सैलरी, एंड सेकंड इफ अमाउंट इज पेड टू द नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट पार्ट, एक बात समझना, जितने भी तुम्हारे पेमेंट है हर जगह टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन टीडीएस तभी काटना जब आगे वाले के हाथ में वो टैक्सेबल है। इफ एनी अमाउंट आप किसी को पे कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, इफ दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट तभी आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आप पर्सनल नेचर का कोई सर्विस लिया उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन अपन देखेंगे, एक तो 194C में और एक 194J में, जहां पे आपने अगर पर्सनल पर्पज के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है या प्रोफेशनल सर्विस अगर इंडिविजुअल एचयूए अपने पर्सनल पर्पज के लिए ली है तो वहां टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, अगर आप टीडीएस नहीं काट सॉरी आप जब टीडीएस किसी को अमाउंट पे कर रहे हो और पेई ने अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, जो भी पेई है, जो पेमेंट का रिसीवर है, उसको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर उसने पैन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से काटेंगे? जो भी टैक्स रेट दे रखी है या फिर 20% व्हिच एवर इज हायर। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि इन केस ऑफ द प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स रेट प्रोफेशनल फीस टैक्स रेट टीडीएस रेट इज अ 10%, बट अगर मान लो उसने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस है वो आप 20% से काटोगे। विनिंग के केस में क्या होता है, तुम्हारा विनिंग के केस में टीडीएस का रेट 30% रहता है, पैन नंबर नहीं दिया तो भी आपको 30% है उसी रेट से आपको टीडीएस है वो काटना है। लेकिन एक चीज समझना, मैंने क्या बोला, सेक्शन 206AA होती है ये, और 206AA क्या बोलती है कि पेई को अपना पैन नंबर पेयर को देना पड़ेगा। अगर उसने पैन नंबर फर्निश नहीं किया तो उसका टीडीएस कटेगा, जो भी टीडीएस का रेट रहेगा, और 20% व्हिच एवर इज हायर। लेकिन एक चीज समझना, ये वाली सेक्शन है वो नहीं लगेगी। कुछ स्पेसिफिक केसेज है जहां पर यह सेक्शन नहीं लगेगी, और यह सेक्शन कहां नहीं लगेगी, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को, कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी हो उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हो, किसी कैपिटल असेट के ट्रांसफर करने का पेमेंट कर रहे हो, मतलब उसने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर किया, मतलब उसको कैपिटल गेन वगैरह होने वाला है, वो कुछ पेमेंट कर रहे हो,
या फिर उसको आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हो, तो चार नेचर के आप उसको पेमेंट कर रहे हो। किसको? नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो या तो कैपिटल असेट ट्रांसफर की है उसका पेमेंट कर रहे हो, या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में बेटा 206AA है, जो 206AA ये सेक्शन है जहां पे आपको हायर रेट से टीडीएस 20% और टैक्स रेट से टीडीएस काटना पड़ता है, विच एवर इज हायर, ये सेक्शन नहीं लगेगी। लेकिन इसमें कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को अपना नाम, ईमेल आईडी एज वेल एज द उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने को देना पड़ेगा, एज वेल एज जिस कंट्री में वो रेजिडेंट है, जिस कंट्री का, वहां का उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको एड्रेस प्रूफ है वो अपने को देना पड़ेगा, एज वेल एज अगर उसका वहां पे कोई अगर टीआरसी वगैरह है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो उसका कॉपी अपने को देना पड़ेगा, एज वेल एज वहां का उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अपने को देना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो अपने को देना पड़ेगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या कोई भी उधर का कोई आधार कार्ड वगैरह जैसा चलता है तो वैसा नंबर अपने को देना पड़ेगा, तो उस केस में 206AA है वो नहीं लगेगा। तो समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। मैंने आपको बोला कि जब आप किसी भी पर्सन को पेमेंट करते हो, क्रेडिट करते हो, उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर पेई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से काटते हैं, जो भी टीडीएस का रेट है और 20% विच एवर इज हायर, लेकिन ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर आप नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को चार तरह के पेमेंट करते हो, या तो कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया उसका कैपिटल गेन उसको हो रहा है उसका कुछ पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में ये वाली सेक्शन 20% वाली नहीं लगेगी, 20% वाली नहीं लगेगी, लेकिन उसको नाम, नंबर, मेल आईडी है, वहां का एड्रेस है, वो सब चीजें उसको कंसीडर करनी पड़ेगी, मतलब वो चीजें उसको देनी पड़ेगी। सो आई कैन टेक अ एग्जांपल, मान लो किसी नॉन रेजिडेंट को आपने रॉयल्टी पे किया और वो रॉयल्टी 115A में टैक्सेबल होता है 10% की रेट से, तो बेटा यहां पे उसने पेन नंबर नहीं दिया तो भी आप उसका टीडीएस 10% की रेट से ही काटोगे, 20% वाली टैक्स रेट है वो नहीं लगेगी। अब एक और चीज समझना, जैसे मान लो मैंने किसी पर्सन को पेमेंट किया, टीडीएस काटना चाहिए था, मैंने टीडीएस नहीं काटा, गलती से मैं टीडीएस नहीं काट पाया, तो क्वेश्चन ये आएगा क्या आगे वाले आदमी को टैक्स भरना ही नहीं है, मतलब आगे वाला पर्सन बोलेगा जो पेयर है उसने टीडीएस नहीं काटा तो मेरे को टैक्स भरना ही नहीं? आंसर इज नो, ही हैज टू पे द टैक्स, उसको टैक्स है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली भरना पड़ेगा। सो इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इन दैट केस पेई हैज टू पे दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब एक बात समझना, एक 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 सेक्शन है उसको रिवाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली सेक्शन 192 इज टीडीएस ऑन द सैलरी। सैलरी के केस में टीडीएस कौन काटेगा? पेयर इज एम्प्लॉयर, पे इज एम्प्लॉय, एंड पेयर इज एनी पर्सन, पे इज एनी पर्सन। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे अगर एम्प्लॉय नॉन रेजिडेंट है तो भी टीडीएस है वो 192 में कटेगा। देखो नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्शन होती है, देखो नॉन रेजिडेंट के लिए नॉर्मल सेक्शन होती है 195, कि जब भी आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस 195 में काटना रहता है, लेकिन अगर आपने नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे किया तो आपको टीडीएस है वो 192 में ही काटना रहेगा। तो देखो पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट क्या रहेगी? सर रेट यहां पे स्लैब रेट से काटेंगे, टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड स्लैब रेट। स्लैब रेट से कैसे? उसकी सैलरी का पहले एस्टिमेट करेंगे और सैलरी पे टैक्स निकालेंगे और टैक्स निकाल के जो भी टैक्स आता है डिवाइड बाय 12 कर देंगे, एवरी मंथ उतना उतना टीडीएस है वो काट देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर एम्प्लॉय अदर इनकम का डिटेल एम्प्लॉयर को देता है तो क्या एम्प्लॉयर को कंसीडर करना पड़ेगा? आंसर इज यस, अगर एम्प्लॉय अदर इनकम का डिटेल है वो एम्प्लॉयर को देता है तो एम्प्लॉयर हैज टू कंसीडर दैट। अगर मान लो लॉसेस का डिटेल देता है, इफ एम्प्लॉय इज फर्निशिंग द डिटेल ऑफ द लॉसेस, इज एम्प्लॉयर इज बाउंड टू कंसीडर दैट? आंसर इज नो, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का डिटेल अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया तो एम्प्लॉयर को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय ने कोई डिडक्शन का डिटेल दिया, जैसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80E वगैरह, उसका डिटेल दिया एम्प्लॉयर को तो क्या एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा? आंसर इज यस, एम्प्लॉयर इज बाउंड टू कंसीडर। तो देखो बेटा, अगर एम्प्लॉय ने कुछ इनकम का डिटेल दिया एम्प्लॉयर हैज टू कंसीडर, डिडक्शन का डिटेल एम्प्लॉयर हैज टू कंसीडर, लॉसेस का डिटेल नो एम्प्लॉयर विल नॉट कंसीडर, बट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर विल कंसीडर। अब एक और चीज समझना बेटा यहां पे, कि एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जो भी सैलरी वगैरह है उसको एस्टिमेट करेगा और उसके बाद टीडीएस काटेगा। एक चीज समझना, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय दो जगह साइमल्टेनियसली काम करता है। इफ एम्प्लॉय इज वर्किंग मोर देन वन एम्प्लॉय, एट वन मोर देन वन एम्प्लॉयर साइमल्टेनियसली, देन उसको क्या करना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉयर से मिलने वाली जो सैलरी है और उसने जो टीडीएस काटा उसका डिटेल दूसरे को देना पड़ेगा, जिससे कि सही टीडीएस कट सके। नहीं तो क्या होगा कि दोनों स्लैब रेट का बेनिफिट लेंगे। दो एम्प्लॉयर, मान लो कहीं पे आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो, कहीं पे डे ड्यूटी कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, दोनों एम्प्लॉयर जो है वो टीडीएस
टीडीएस काटते टाइम स्लैब रेट का बेनिफिट ले लेंगे, उसकी वजह से टीडीएस का शॉर्ट डिडक्शन हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी और उसने जो टीडीएस काटा है उसका डिटेल दूसरे को देना पड़ेगा, और दूसरा उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस है वो काटेगा। या फिर बहुत बार क्या होता है, अगर आप जॉब चेंज कर देते हो इन द ईयर, जैसे आप जून तक किसी एक एम्प्लॉयर के साथ थे, जुलाई से आपने किसी और एम्प्लॉयर के साथ में आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी मिली थी उसने जो टीडीएस काटा था उसका डिटेल नए वाले को देना पड़ेगा, तो नया वाला कंसिडर करने के बाद टीडीएस काटेगा। या तो आप दूसरे एम्प्लॉयर को दे दो, नहीं तो आप एडवांस टैक्स भी भर सकते हो, जिससे कि आपका टैक्स है वो नहीं, मतलब बहुत सारे लोग नहीं देते, तो आप एडवांस टैक्स भी भर सकते हो। अब एक और चीज समझना है, यहां पे एक दो केस लॉ है और वो केस लॉ की अपन बात कर लेते हैं। एक केस लॉ है, दैट इज आईटीसी होटल वाला। आईटीसी होटल वाला क्या बोलता है कि जो भी होटल में एम्प्लॉय रहते हैं, जो वेटर रहते हैं, उनको टिप मिलती है, पता है, और वो टिप जो होती है वो लोग टिप देते हैं, और वो टिप मान लो क्या होता है, मेनी टाइम एम्प्लॉयर के पास में चली जाती है, बिल वगैरह में जोड़ते हैं, और बिल में टिप भी जुड़ी होती है और वो एम्प्लॉयर के थ्रू वापस एम्प्लॉय को मिली, तो क्वेश्चन ही आता है क्या वो सैलरी में टैक्सेबल होगी, और अगर सैलरी में टैक्सेबल होगी तो टीडीएस काटना पड़ेगा 192 में। आईटीसी होटल के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नहीं, ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती, और जब ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी तो टीडीएस 192 में उस पे काटने की जरूरत नहीं है। एक और केस लॉ है, दैट इज मणिपाल हेल्थ सिस्टम का। मणिपाल हेल्थ सिस्टम के केस में क्या होता है कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जो हर दिन 2 घंटे आता है, डॉक्टर है जो 2 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में आता है, एवरी डे ही लाइक स्पेंड 2 आवर्स इन द हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल उसको क्या करता है पर पेशेंट बेस पे पैसा देता है। जैसे एक पेशेंट एक उस दिन आया तो उस पर 500 रुपया मिलेगा, अगर 2 आए तो उसको 1000 रुपया मिलेगा, कोई पेशेंट नहीं आया तो उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, उसको पूरे महीने के बाद में उसका हिसाब होता है और उसको पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सैलरी है या प्रोफेशनल फीस है, आंसर इज ये तुम्हारा प्रोफेशनल फीस है, ये तुम्हारा सैलरी नहीं है, दिस इज द प्रोफेशनल फीस, और इस पे टीडीएस 194J में कटेगा, ना कि तुम्हारा 192 में। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, थोड़ी देर पहले अपन ने एक सेक्शन पढ़ी थी 206AA करके, ठीक है, और 206AA में क्या बोला था, 20% और टैक्स रेट विच एवर इज हायर। तो आप सैलरी में टैक्स रेट कैसे निकालोगे, आपको एवरेज टैक्स रेट लेना पड़ेगा, मतलब जितना टैक्स आता है डिवाइड बाय टोटल सैलरी वगैरह जो इनकम है वो कर दो, तो आपका एवरेज टैक्स रेट आ जाएगा, और 20% विच एवर इज हायर से आपको टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन होती है 192A। 192A का मतलब क्या होता है पता है, कि अगर आपका प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो एम्प्लॉय को मिलता है, प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस एम्प्लॉय को मिलता है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर प्रोविडेंट फंड का पैसा जो भी मिलता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है। मैं बता दूं, अगर स्टेच्यूटरी प्रोविडेंट फंड से आपको कोई मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कोई मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 5 साल से ज्यादा का सर्विस दिया है तो ही रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिला वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर 5 साल का सर्विस नहीं हुआ तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। तो देखो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से आपको जो मिलता है वो टैक्सेबल तभी होता है जब 5 साल का सर्विस नहीं हुआ है, और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो भी मिलता है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। तो एक बात समझना, उसमें भी टीडीएस काटना पड़ेगा। 192A ये बोलता है accumulated balance of provident fund payer is any person, pay is employee, मतलब employee को अगर pay कर रहे हो TDS काटना पड़ेगा 10% की rate से। लेकिन एक चीज समझना, TDS तभी काटना है जब वो पैसा है वो employee के हाथ में taxable है, अगर वो recognized provident fund या statutory provident fund से है और वो exempt है तो उसमें TDS काटने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, अगर जो पैसा मिल रहा है वो less than 50,000 है तो TDS काटने की जरूरत नहीं, if there's that amount is less than 50,000 तो TDS काटने की जरूरत नहीं, लेकिन 50,000 या उससे ज्यादा है तो TDS काटना पड़ेगा। आप पूछोगे सर एग्जैक्टली 50,000 है तो भी TDS काटना पड़ेगा, आंसर इज यस, एग्जैक्टली 50,000 है तो भी TDS काटना पड़ेगा, इफ इट इज लेस देन 50,000 तभी TDS नहीं काटना। एक और चीज समझना, यहां 192A में जो EPF का पेमेंट होता है उसमें अगर एम्प्लॉय ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो देखो सेक्शन 206AA क्या बोलती है कि भैया 20% और टैक्स रेट व्हिचएवर इज हायर, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉय ने अपना पैन नंबर यहां पे नहीं दिया तो एम्प्लॉय का TDS MMR की रेट से कट जाएगा। MMR मतलब मैक्सिमम मार्जिनल रेट, दैट इज 30% प्लस 15% प्लस 4% 35.88% की रेट आएगी, उस रेट से TDS कट जाएगा। तो यहां पे दिमाग में ध्यान रखना कि अगर जो EPF वाला पेमेंट है उसमें अगर एम्प्लॉई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया तो उसका TDS MMR की रेट से आपको काटना है। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, दैट इज 193। 193 इज अ TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जो भी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी मतलब जो डिबेंचर वगैरह जो बॉन्ड्स वगैरह है उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर TDS 193 में कटेगा। पेयर एनी पर्सन, लेकिन पे सिर्फ रेजिडेंट पर्सन, अगर आप रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हो इंटरेस्ट तो ही TDS काटना है, नॉन रेजिडेंट को करते हो इंटरेस्ट तो इस सेक्शन में नहीं कटेगा, फिर आपको दूसरी सेक्शन में जैसे 195 वगैरह है उसमें आपको देखना पड़ेगा। यहां पर TDS तभी कटेगा जब आप रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हो तो ही आपको TDS काटना है। पेयर एनी पर्सन, पे सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को पे करोगे तो TDS काटना है, TDS का रेट 10% रहेगा। लेकिन एक चीज समझना, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको TDS काटने की जरूरत नहीं। सबसे पहला, अगर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट LIC, GIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी को पे किया है तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पे TDS नहीं कटेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल,
कि एलआईसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, एलआईसी ने क्या किया कि अदानी के डिबेंचर खरीद लिए। अब अदानी लिमिटेड के डिबेंचर खरीदे तो अदानी लिमिटेड क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा एलआईसी को, तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो जब भी आप एलआईसी जीआईसी या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट पे करते हो तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। एज वेल एज ध्यान रखना जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस की जरूरत नहीं है। एज वेल एज जो डीमैट सिक्योरिटीज होती है, जो डीमैट फॉर्म में होती है, उस पर भी आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि दो यहां पे एक्सेप्शन है और इसको ध्यान रखना, एमसीक्यूज में ये लोग पूछ सकते हैं करके, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और वो इंटरेस्ट पेबल होता है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003, ये 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 एक नया आया है 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, जो 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 है उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट पे टीडीएस तभी काटना है जब वो इंटरेस्ट है वो 10,000 से ज्यादा है। तो बेटा जो तुम्हारा 7.75% या 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003-2018 है उस पे इंटरेस्ट देते हैं तो टीडीएस कटेगा, लेकिन टीडीएस तभी कटेगा जब इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा है। तो इसको एमसीक्यूज में ये लोग घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना करके, ठीक है, कि 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो ही टीडीएस कटेगा, और 10,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट किस पे, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 और 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2003। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। चलो नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द 194A। ये बोलता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, बिकॉज सिक्योरिटी वाला ऑलरेडी अपन 193 में कवर कर चुके हैं, 194A में आएगा, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बट अदर देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी वाले जो इंटरेस्ट होते हैं, जैसे अपन मैंने आपसे लोन लिया, आपको मैंने इंटरेस्ट दिया, या फिर बैंक में आपने एफडी करवाई, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, दैट इज कॉल्ड योर अदर इंटरेस्ट। अब एक बात समझना, अदर इंटरेस्ट के केस में भी टीडीएस कटता है, लेकिन अभी तक देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, पेयर एनी पर्सन, पेई भी एनी पर्सन था ऑलमोस्ट करके, ठीक है, एक जगह रेजिडेंट पर्सन था, बाकी पेई एम्प्लॉय था। तो पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन था, पेयर एनी पर्सन मतलब कोई भी पे करेगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा, जैसे सैलरी में कोई भी पे करेगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन यहां पर समझना, यहां पर चीजें कुछ अलग है। 194A में जो पेयर है वो पहले तो मैं बोलूंगा एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इंटरेस्ट किसी को पे करेगा टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज काटने की जरूरत नहीं है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, देखो आपसे मैंने लोन लिया, मैंने आपको इंटरेस्ट दिया, टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, लेकिन मैं इंडिविजुअल हूं, समझता हूं, मैं आपको जब इंटरेस्ट दूंगा ना तो टीडीएस तभी कटेगा जब लास्ट ईयर में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट मोर देन द 50 लाख रुपीज थी। सो आई कैन से दैट इफ आई एम इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड आई एम गोइंग टू पे द इंटरेस्ट टू एनी पर्सन, देन टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ओनली इफ माई टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर इज मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसिट इज मोर देन 50 लाख रुपीज तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक बात समझना आप लोग, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि लास्ट ईयर में ऑडिट हुई थी तो ही टीडीएस काटना, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक बात समझना, मैं 44AD लेता हूं, 44AD दैट 8% वाला, मैं 44AD लेता हूं, लास्ट ईयर का मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ था, माय लास्ट ईयर टर्नओवर वाज 1.5 करोड़, आई ऑप्टेड 44AD, सो ऑब्वियसली मेरा ऑडिट नहीं हुआ होगा क्योंकि 44AD में 2 करोड़ तक ले सकता हूं। क्वेश्चन ही आता है, मैं इंडिविजुअल हूं, लास्ट ईयर मैंने 44AD लिया था, माय टर्नओवर वाज 1.5 करोड़, क्वेश्चन इज दैट इस साल जब मैं किसी को इंटरेस्ट पे करूंगा तो क्या मुझे टीडीएस काटना है या नहीं? लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर तो 1 करोड़ से ज्यादा था बट ऑडिट नहीं हुई थी, क्वेश्चन ही आता है क्या मुझे टीडीएस काटना है या नहीं? आंसर इज यस, मुझे टीडीएस काटना है। लॉ ये बोलता है कि लास्ट ईयर टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसिट इज मोर देन 50 लाख तो आप इस साल जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, पेयर, बोलो पेयर, पेयर, पेयर एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हुज टर्नओवर इज नॉट मोर देन द 1 करोड़ और ग्रॉस रिसिट इज नॉट मोर देन द 50 लाख इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। सो आप ये समझो यहां पर कि इंडिविजुअल एचयूएफ है वो जब किसी को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, इंटरेस्ट किसको पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को, पेई इज अ रेजिडेंट पर्सन, आप रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हो इंटरेस्ट तो ही टीडीएस काटना है, रेट क्या रहेगी 10% की। लेकिन एक और चीज समझना, 10% का यहां पर रेट होगा, लेकिन
टीडीएस तभी काटना है जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो मोर देन 5000 है पूरे साल में। मैंने आपको इंटरेस्ट पे किया वो मोर देन 5000 है, देन ओनली आई रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरे साल का इंटरेस्ट दिया वो सिर्फ 4000 दिया, सिर्फ 4000 दिया, क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? सिर्फ 4000 मैंने आपको दिया, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो। मैंने आपको 6000 दिया, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। कितने पे? पूरे 6000 पे या सिर्फ 1000 पे? आंसर इज पूरे 6000 पे टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैंने आपको इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस तभी काटना है जब वो इंटरेस्ट 5000 से ज्यादा है, मींस मोर देन 5000 तभी टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, अगर बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस जब किसी को भी इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस तभी काटना है जब वो इंटरेस्ट 10000 से ज्यादा है, मींस लिमिट विल बी द 10000। इफ बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस is paying the interest to any person, then this limit is the 10,000। यहां पे एक amendment है और वो amendment ये है कि अगर आप किसी senior citizen को interest दे रहे हो, कौन? bank, cooperative bank और post office, bank, cooperative bank और post office किसी senior citizen को interest दे रहे हैं तो TDS तभी काटना है जब तुम्हारा वो इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है, मींस लिमिट 50,000 हो जाएगा। नॉर्मल केस में 10,000 है, नॉर्मल केस में बैंक कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट देता है तो टीडीएस तभी काटना है जब 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है, 10,000 से ज्यादा है। बट अगर सीनियर सिटीजन को पे कर रहे हो देन दैट लिमिट विल बी द 50,000, दैट इज द अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2018 और इसी साल से यह अमेंडमेंट हुआ है। तो समझने की कोशिश करना, मैंने बोला पेयर एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ में लास्ट ईयर में जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा नहीं थी, पे एनी रेजिडेंट पर्सन टैक्स रेट टीडीएस रेट रहेगी 10%। टीडीएस तभी काटना है जब इंटरेस्ट 5000 से ज्यादा है, इंटरेस्ट 5000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, अगर जो भी बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे कर रहा है तो टीडीएस तभी काटना है जब इंटरेस्ट है वो 10,000 से ज्यादा है। लेकिन आप सीनियर सिटीजन को पे कर रहे हो तो 50,000 से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस काटना है। अब एक और चीज समझना बेटा, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। देयर इफ पार्टनरशिप फर्म पेड द इंटरेस्ट टू द पार्टनर देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। एक और चीज समझना, जो भी इनकम टैक्स पे रिफंड होता है उसका इंटरेस्ट जो आता है 244A में, इनकम टैक्स पे रिफंड पे, इनकम टैक्स के रिफंड पे जो इंटरेस्ट आता है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्स का जो रिफंड है उस पे इंटरेस्ट जो आता है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। अब आप बोलोगे आपके ऑफिस में तो सर एक जगह काटा था, देख लेना वो केस जो तुम्हारा था ना वो नॉन रेजिडेंट था। नॉन रेजिडेंट को अगर इंटरेस्ट मिला इनकम टैक्स रिफंड पे तो उसका टीडीएस कटेगा, लेकिन रेजिडेंट को मिला तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द पेई इज द रेजिडेंट। एक और चीज समझना, अगर आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है करके, ठीक है, सेविंग बैंक वाले पे कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंटरेस्ट 4%, कोटक महिंद्रा 6%, दैट इज कॉल्ड सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट कितना भी हो टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब टीडीएस कहां कटेगा? या तो आपका फिक्स डिपोजिट है या रिकरिंग डिपोजिट है उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो टीडीएस कटेगा, सेविंग बैंक पे कभी भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज समझना, अगर एक और चीज समझना, ये सब 10,000 का जो आप लिमिट बोल रहे थे, इफ बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस और लाइक बैंक इज पेइंग द इंटरेस्ट एंड दैट इज मोर देन 10,000 तभी टीडीएस काटना है, या सीनियर सिटीजन के केस में मोर देन 50,000 तभी टीडीएस काटना है। लेकिन एक बात बताओ सर, ये लिमिट बैंक वाइज देखी जाएगी या ब्रांच वाइज देखी जाएगी? जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल, आईसीआईसीआई बैंक की 3 ब्रांच है, बोरीवली, अंधेरी और बेंड्रा, और तीनों आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है। मेरे को 777,000 तीनों से इंटरेस्ट मिला, इज दे रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस और नॉट? आंसर इज यस। ये लिमिट ब्रांच वाइज नहीं, बैंक वाइज देखी जाएगी। यहां पे आईसीआईसीआई बैंक की 3 ब्रांच में मेरा एफडी था, तीनों से 777,000 का इंटरेस्ट मिला, टोटल इंटरेस्ट इज 21,000, दैट इज मोर देन 10,000, आईसीआईसीआई बैंक इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। अगर बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फॉलो करती है, और आज मैं बता दूं हर बैंक है वो कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो करती है, तो अगर बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम फॉलो करती है तो टीडीएस काटना पड़ेगा अगर वो बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो टोटल 10,000 से ज्यादा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहां बोरीवली में मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, यहां पे अंधेरी में मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, और बेंड्रा में मेरा मान लो इंडसइंड बैंक में अकाउंट है, तीन अलग अलग बैंक ने 777,000 का इंटरेस्ट दिया, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज समझना, आप अगर इंटरेस्ट पे करते हो किसी भी बैंक को, मीन्स यू आर गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द एनी बैंक और एलआईसी और यूटीआई और एनी इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि मैंने बैंक से मेरा हाउसिंग लोन ले रखा है और हाउसिंग लोन पे हर महीने मैं इंटरेस्ट पे करता हूं 1 लाख रुपीज का बैंक को, तो क्या मुझे टीडीएस
टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो मैं अगर बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे करता हूं करके, ठीक है, या एलआईसी को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, या यूटीआई को पे कर रहा हूं, या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पे करता हूं, तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखना, बैंकिंग कंपनी में एनबीएफसी नहीं आएगी। आप अगर एनबीएफसी को वगैरह पेमेंट करते हो इंटरेस्ट का, तो उसमें आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, वन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे किया, तो टीडीएस नहीं काटना। या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी मेंबर को इंटरेस्ट पे किया, तो उस पर भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती है, जैसे इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र या पीओ मंथली इनकम अकाउंट और पीओ रिकरिंग डिपॉजिट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उस पर टीडीएस है, वो आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन 194B। 194B का मतलब होता है बड़े लोग। बड़े लोग कहां पे पैसा लगाते हैं? बड़े लोग लॉटरी में पैसा लगाते हैं, बड़े लोग विनिंग में पैसा लगाते हैं। तो बड़े लोग जो है 194B मतलब बड़े लोग, बड़े लोग कहां पे पैसा लगाते हैं? विनिंग में। तो विनिंग में जो विनिंग जो होती है, विनिंग फ्रॉम द लाइक कार्ड गेम हो, या फिर गेम शो जैसे केबीसी वगैरह है, गेम शोज हो, या फिर तुम्हारा क्रॉसवर्ड है, पजल्स है, लॉटरीज है, उसकी सब विनिंग पे टीडीएस है, वो तुम्हारे 194B में कटेगा। पेयर कॉन एनी पर्सन पे एनी पर्सन, टीडीएस का रेट 30% और टीडीएस तभी काटना जब विनिंग 10,000 से ज्यादा है। एक और चीज समझना, यहां पेयर एनी पर्सन लिखा है, पे भी एनी पर्सन लिखा है। पे एनी पर्सन का मतलब क्या है कि नॉन रेजिडेंट को अगर लॉटरी लग गई तो भी टीडीएस है, वो तुम्हारा 194B में ही जाएगा। नॉन रेजिडेंट को लॉटरी लगी तो भी तुम्हारा 194B में ही जाएगा। उसके बाद एक और बात समझना, 194BB, 194BB दैट इज बहुत बड़े लोग। बहुत बड़े लोग पैसा किस पे लगाते हैं पता है? घोड़ों पे लगाते हैं। चलो घोड़ों, विजय माल्या जैसे लोग तो पैसा लगाते हैं, वो घोड़ों पे लगाते हैं। उसमें भी पेयर एनी पर्सन पे एनी पर्सन और बेटा टीडीएस है, वो 30% की रेट से काटना, टीडीएस तभी काटना जो तुम्हारा विनिंग है वो 10,000 से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, जैसे आपने हॉर्स रेसेस में कभी देखा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बैट लगाते हैं। अब जैसे आपने पहली बैट लगाई, उसमें आपने 40,000 जीत गए, 40,000 यू वॉन द 40,000, 40,000 आप जीत गए। सेकेंड बैट में आप मान लो 30,000 हार गए। अब एक बात समझना, वो हारने के बाद आपको सेट ऑफ करके 10,000 मिला, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा और पूरा 40,000 पे कटेगा। मतलब जितना आप हार जाते हो उसको सेट ऑफ नहीं करेंगे, जो जो आप जीतते हो उतने पे आपको टीडीएस है, आपका टीडीएस वहां पे कट जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट ऑफ नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, कभी कभी क्या होता है, विनिंग सर अगर इन काइंड हो तो, विनिंग बहुत बार काइंड होती है, जैसे कार खुल गई आपके, 1 करोड़ की कार है वो विनिंग में खुल गई, तो कार पे टीडीएस कैसे काटेंगे? क्या 30% टायर वगैरह निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज देंगे? आंसर इज नो। So, उसमें लॉ क्या बोलता है कि इफ विनिंग इज इन द काइंड, तो ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट विनिंग हैज टू एंश्योर दैट टैक्स ऑन सच विनिंग इज पेड टू द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर दैट ही हैज टू रिलीज द विनिंग। मतलब वो रिलीज कब करेगा विनिंग को पता है? जब वो एंश्योर कर देगा कि उस विनिंग पे टैक्स ऑलरेडी जा चुका है। कहां पे जा चुका है? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को टैक्स ऑलरेडी जा चुका है, उसके बाद ही वो विनिंग को रिलीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, के कार के केस में वो ऑर्गेनाइजर को या तो बोलना पड़ेगा विनर को कि तू मुझे 30% वैल्यू का दे दे, मैं गवर्नमेंट को भर देता हूं एज अ टीडीएस, या फिर तू गवर्नमेंट में जाके एडवांस टैक्स भर के आ जाए, उसका चलान मुझे बता दे, और उसका चलान तू मुझे बता देता है तो मैं विनिंग को रिलीज कर दूंगा। तो बेटा विनिंग वो तभी रिलीज करेगा जब वो एंश्योर हो जाएगा कि उस पर टैक्स है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जा चुका है। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज 194CC को याद रखोगे कॉन्ट्रैक्ट से, 194C4 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक बात समझना, सी में टीडीएस किस पे करता है? टीडीएस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कटेगा 194C में। अब एक बात समझना, टीडीएस कौन काटेगा? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, मींस हु विल डिडक्ट द टीडीएस? कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, नहीं बाबा नहीं, कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटेगा कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि पेमेंट कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टी। किसको पेमेंट करता है? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टी टीडीएस काटता है कॉन्ट्रैक्टर का। अब एक बात समझना, यहां पे सर पेई कौन होना चाहिए? पेयर पहले कौन होना चाहिए? पेयर मतलब कॉन्ट्रैक्टी कौन होना चाहिए? तो मैं बता दूं, पेयर में कोई भी पर्सन एनी पर्सन चलेगा, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पे करता है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, या ग्रॉस रिसिट है वो आपका 50 लाख से ज्यादा था। तो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को पे करता है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट ऑडिट लिमिट से ज्यादा थी। अब एक बात समझना, किसको पेमेंट कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर एक रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, अगर रेजिडेंट पर्सन को पे करोगे तो ही टीडीएस काटना। टीडीएस की रेट क्या रहेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस का रेट 1% रहेगा, और कॉन्ट्रैक्टर एनी अदर पर्सन है इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के तो टीडीएस का रेट 2% रहेगा। अब एक और चीज समझना, टीडीएस तभी काटना है
टीडीएस तभी काटना है जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या पूरे साल का मिला के एग्रीगेट 1 लाख से ज्यादा है। मतलब जिस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 से ज्यादा है या फिर पूरे साल का मिला के एग्रीगेट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं मैं बता दूं। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ सिर्फ वर्क कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, कोई भी वर्क करने के लिए लेबर का सप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड वर्क कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो आई कैन टेक एग्जांपल, मेरे क्लास में आके कॉन्ट्रैक्टर ने फर्नीचर बनाया, ये तुम्हारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। हम जो बुक प्रिंटिंग वगैरह करवाते हैं ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है एज वेल एज द, जैसे मेरा जो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे यहां पे जितने भी एसी लगे हुए उसका जो एएमसी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हमारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। हमारे यहां पे आके मान लो ऑफिस में कुछ किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम किया किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, वो भी तुम्हारे 194C में आ जाएगा। देखो ये तो 194C में आएगा, लेकिन यहां पे कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो वर्क में इंक्लूड की हुई है। सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट, अगर आप कहीं पे एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करते हो वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग जैसे मान लो रेडियो को पेमेंट करते हो तो ब्रॉडकास्टिंग होता है, टेलीकास्टिंग टीवी वालों को पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड टेलीकास्टिंग। तो जैसे आई कैन टेक एग्जांपल के एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट दिलाया कि बीबी सर डीटी पढ़ाते हैं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में दिलाया तो टाइम्स ऑफ इंडिया को जो पेमेंट किया उस पर टीडीएस 194C में कटेगा। या ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल के यहां पे एक रेडियो चैनल आता है 93.5 रेड एफएम, और 93.5 रेड एफएम में एक यहां पे मलिश्का आती है सुबह, तो मैंने मलिश्का को बोला कि मलिश्का सबको बोल दिया अगर बीबी से डीटी पढ़ाते हैं और उसको कुछ पेमेंट किया तो ये ब्रॉडकास्टिंग का एडवर्टाइजमेंट है, इस पे भी टीडीएस 194C में कटेगा। टेलीकास्टिंग मतलब टीवी पे न्यूज चैनल पे जब भी आप पेमेंट करोगे तो दैट इज कॉल्ड टेलीकास्टिंग के लिए पेमेंट किया, वो भी तुम्हारा टीडीएस 194C में कटेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, आपका प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम है उस पे भी टीडीएस 194C में कटेगा। प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम का मतलब होता है जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैं धर्मा प्रोडक्शन वालों के पास गया, धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर का कंपनी है, करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है धर्मा प्रोडक्शन, मैं उनके पास गया उनको बोला मुझे एड बनवानी है, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के दिया, एक एड बना के दिया, उनका जो पेमेंट किया वो भी टीडीएस 194C में कटेगा, वहां पे भी टीडीएस 194C में कटेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग, मेनी टाइम क्या होता है अपन एडवर्टाइजमेंट जो दिलाते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाते हैं और एजेंसी के पास में एजेंसी क्या करती है टीवी चैनल या लाइक मीडिया कंपनीज है उनको एडवर्टाइजमेंट देती है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना था तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास गया। आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, देर इज अ वन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इज कॉल्ड ब्राइट एडवर्टाइजर, ब्राइट एडवर्टाइजर के पास मैं गया या ग्लोबल एडवर्टाइजर है उसके पास मैं गया, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्राइट एडवर्टाइजर को पेमेंट किया 10 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट के लिए, और मैंने ब्राइट एडवर्टाइजर या ग्लोबल एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो एजेंसी को मैंने पेमेंट किया 10 लाख का, उस पर मैंने टीडीएस काटा 194C में। अब एक बात समझना, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो पेमेंट करती है न्यूज चैनल को, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया को या फिर यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ द इंडिया टुडे ग्रुप को, आज तक पे एडवर्टाइजमेंट दिलाया था तो इंडिया टुडे ग्रुप को पेमेंट किया, क्या वो एजेंसी जब उनको पेमेंट करेगी तो टीडीएस काटना है या नहीं? आंसर इज नो, एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है और सीबीडीटी का सर्क्यूलर है उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, इधर देखो बेटा समझने की कोशिश करना, मैंने बोला कि एक तुम्हारा क्लाइंट है और वो क्लाइंट ने क्या किया एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया और उसने मान लो टीवी चैनल को पेमेंट किया, जो तुम्हारा टीवी चैनल वगैरह है उसको पेमेंट किया, तो देखो जब क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट करेगा तो टीडीएस कटेगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है जब वो टीवी चैनल या मीडिया हाउस को पेमेंट करेगा तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है। अब एक और चीज समझना, मेनी टाइम क्या होता है, आई कैन टेक वन एग्जांपल, समझने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पेमेंट किया 10 लाख का, उस पर मैंने टीडीएस काटा। अब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने आज तक को पेमेंट किया वो सिर्फ 9 लाख का किया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मेड पेमेंट टू द आज तक ऑफ 9 लाख रुपीज, मतलब 1 लाख रुपीज उन्होंने अपना कमीशन है वो रख लिया। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर जो आज तक को एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने पेमेंट किया 9 लाख का किया, एक तो उस पे 194C में टीडीएस नहीं कटेगा, दूसरी चीज ये कि सर वो 1 लाख रुपए जो रखा है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी रिटेन द 1 लाख रुपीज, इस टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194H ऑन द कमीशन, जो आज तक है वो आज तक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कमीशन दे रहा है, ऐसा मान के क्या 1 लाख पे 194H में टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? तो देखो इसमें सीबीडीटी ने बोला हुआ है नहीं कटेगा, सीबीडीटी का सर्क्यूलर है उसमें बोला हुआ है कि नहीं कटेगा। सीबीडीटी का कहना यह है कि जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है और जो न्यूज चैनल है उनके बीच में प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, कोई एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है जो अभी आपके जो नए 9 केस लॉ आए हैं, और वो केस लॉ का लेक्चर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूं, आपको मिल गया होगा, 9 नए केस लॉ है और उसमें केस लॉ है प्रसार भारती का।
जो प्रसार भारती दूरदर्शन वाले, उन्होंने क्या किया, इंडिया में बहुत सारे एजेंट बनाए और वो एजेंट को बोला कि आप एडवर्टाइजमेंट लाओ और फिर हमको एडवर्टाइजमेंट दो, और एजेंट का कमीशन रहेगा 15%। वो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो एजेंट का कमीशन है वो 15% रहेगा और उस पर टीडीएस भी काटना है, ऐसा उस अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो उस केस में वो कमीशन माना जाएगा और उस पर टीडीएस 194H में कटेगा। तो इंस्टीट्यूट ने वहां पे लास्ट में एक नोट दिया हुआ है कि आपको केस को फैक्ट टू फैक्ट चेक करना पड़ेगा। अगर मीडिया हाउस ने स्पेसिफिक एजेंसी बनाई है, जैसे प्रसार भारती ने बनाए थे, प्रसार भारती ने बहुत सारी एजेंसी बनाई थी, उनके बीच में एजेंसी का अग्रीमेंट भी था और बोला तुम हमको एडवर्टाइजमेंट लाके दोगे, तुम्हारा 15% कमीशन रहेगा, उस पे टीडीएस भी कटेगा, ऐसा सब लिखा हुआ था। तो अगर अग्रीमेंट है और एजेंसी रिलेशनशिप है तो उस पे टीडीएस कटेगा, लेकिन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। ये दोनों चीजें आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, केस लो पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब एक और बात समझना, मैंने क्या बोला कि प्रोडक्शन ऑफ द प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम बनाना है उसके लिए भी टीडीएस 194C में कटेगा, लेकिन एक चीज समझ ध्यान रखना। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक टीवी चैनल है जिसका नाम है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज को एक प्रोग्राम बनाता था, एबीपी न्यूज गया बालाजी टेलीफिल्म्स के पास और बालाजी टेलीफिल्म्स को जाके बोला कि हमको प्रोडक्शन, हमको एक प्रोग्राम बनाना है। किसको? एबीपी न्यूज को। एबीपी न्यूज को एक प्रोग्राम बनाना है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स के पास गए और बालाजी टेलीफिल्म्स वालों को बोला कि हमको एक प्रोग्राम बना के दो, हमको महाभारत बनाना है। अब महाभारत में उन्होंने बताया कि ये कृष्णा बनेगा, ये अर्जुन बनेगा, ये मतलब जो क्या बोलते हैं कुंती बनेगी, समथिंग जो भी है, होता नहीं होता है महाभारत में, आई डोंट नो करके, ठीक है, बट मान लो उन्होंने बोला हमको महाभारत बनाना है, ठीक है, वो रन एग्जांपल। किसने बोला ये? एबीपी न्यूज ने। एबीपी न्यूज बालाजी टेलीफिल्म्स के पास गया और उन्होंने बोला हमको महाभारत बनाना है, ऐसे 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 बनाना है, हम आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसे महाभारत बनाना है। बालाजी टेलीफिल्म्स में महाभारत बनाया, प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम एबीपी न्यूज को दे दिया, इस पे 194C में टीडीएस कटेगा। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए वो प्रोग्राम बना रहे हैं और फिर आपको इसका कॉपीराइट वगैरह है वो एबीपी न्यूज को ट्रांसफर हो जाता है तो उस पे 194C में टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, एबीपी न्यूज बालाजी वालों के पास गया और बालाजी वालों ने बोला क्या चाहिए आपको, तो बोला महाभारत बनाना है। बालाजी टेलीफिल्म्स वाले बोलते हैं कि हमारे पास महाभारत पहले से बनाया हुआ है, आप ले लो ये महाभारत, ठीक है, उन्होंने पहले से महाभारत बनाया हुआ था और वो महाभारत के राइट दे दिए सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए एबीपी न्यूज को, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? आंसर इज नो। सीबीडीटी का सर्कुलर बोलता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उस पर टीडीएस 194C में नहीं कटेगा, उस पर टीडीएस है वो 194C में नहीं कटेगा, किसी और सेक्शन में कटता है तो वो देखना पड़ेगा कि वो टेक्निकल फीस या उसमें जाएगा रॉयल्टी वगैरह में या नहीं, वो अलग चीज है, बट वो 194C में नहीं आएगा, ये सीबीडीटी का सर्कुलर है। तो देखो, अगर कोई प्रोग्राम बनाते हो आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और उसका जो कॉपीराइट वगैरह है फिर वो आपको ट्रांसफर हो जाता है तो 194C में टीडीएस कटेगा, लेकिन ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोग्राम है उसको डिस्प्ले के राइट वगैरह आप लेते हो तो उस पर टीडीएस 194C में नहीं कटेगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने बोला वर्क में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा, दूसरा तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकास्टिंग है, वो भी आएगा, उसके साथ में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट, जो भी केटरिंग होता है वो केटरिंग भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में आता है। केटरिंग का जैसे हमारे ऑफिस में हम क्या करते हैं, बहुत बार एक हलवाई को बोलते हैं और वो सबको खाना खिला के जाता है, तो वो तुम्हारा केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट वो भी तुम्हारे 194C में आएगा। एक और चीज समझना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, अगर रेलवे को छोड़ के किसी भी मोड से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर होता है तो उस पे टीडीएस आपका 194C में जाएगा। रेलवे का टीडीएस क्यों नहीं काटना? क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट की है। अब देखो, गवर्नमेंट का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को ही जमा करवाओगे, क्या भला करोगे? तो रेलवे को जब आप पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू द रेलवे देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर किसी अदर मोड से करते हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरी बुक्स आती है कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट मुंबई से हमने क्या किया, दिल्ली एक ट्रक भर के भेजा और ट्रक वाले को हमने पेमेंट किया मान लो 50,000 का। इज वी आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस? आंसर इज यस। 50,000 पे हमको 194C में टीडीएस काटना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एज वेल एज जितनी भी कुरियर एजेंसीज है, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि हम फेडेक्स का कुरियर यूज करते हैं, एक्सप्रेस बीज का करते हैं, डीटीडीसी का करते हैं, ब्लू डार्ट का करते हैं, ये चार कंपनियां हैं जिनका हम कुरियर सर्विस लेते हैं, उनको जब भी पेमेंट करते हैं हम 194C में टीडीएस है वो काटते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया। अब एक और चीज समझना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पे टीडीएस कैसे घट सकता है? आई कैन टेक वन एग्जांपल। एक बात समझना, आप सब लोगों ने और मैंने ये डिसाइड किया कि जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, ये जो मई वाला एग्जाम है ये जून में होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट, आपके पास अच्छी न्यूज आ सकती है 2-3 दिन में। इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करने वाला है और वो डेट डिक्लेयर आई थिंक मंडे ट्यूसडे को हो जाएगी, तो उसके बाद आपका ये सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम कब है करके, ठीक है। तो भगवान से प्रे करो कि थोड़ा ज्यादा टाइम मिले अपने को, ठीक है। चलो, अब एक बात समझना, हुआ क्या कि हमने ये डिसाइड किया कि आपका जो भी एग्जाम मई जून में होने वाला है वो एग्जाम के बाद हम लोग गोवा जाएंगे। आपने हमने डिसाइड किया कि हम लोग कहां जाने वाले हैं, गोवा। ये प्लान हर बार हम करते हैं बट होता नहीं है, बट हमने बोला कि चलो गोवा जाएंगे।
तो हमने ये प्लान किया हम गोवा जाएंगे, तो फिर क्या हुआ कि मैं और आप तीन चार लोग आए और हम किसी बस वाले के पास गए और बस वाले को जाके बोला कि हमको गोवा जाना है, 5 दिन का ट्रिप रहेगा, मुंबई से गोवा बस जाएगी, 5 दिन आपका वहीं पे रखनी है बस, हमको गोवा में घुमाना है, साउथ गोवा घुमाना है, वहां पे ये दिखाना है वो दिखाना है, वो सब बात हुई। मैंने हमने उसको पूछा कितना पैसा है, तो उसने बोला कि लाइक 2 लाख रुपया लगेगा दो बस का। मैंने कहा ठीक है, 2 लाख रुपया उसको अगर अपन देंगे ये 194C में जाएगा, दैट इज तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, 194C में टीडीएस कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, मैंने उसको बोला कि नहीं भाई मुझे एक काम कर, तू ड्राइवर वगैरह मत दे, तू सिर्फ तेरी बस हमको भाड़े पे दे दे, ड्राइवर मैं हूं ना, मैं ड्राइवर हूं, ठीक है मैं ड्राइवर हूं। और मैंने बोला कि एक और तुम में से तुमने बोला कि मैं दूसरी बस वो चला लेगा, हम तीन चार लोग ड्राइविंग पता थे अपने को, तो हमने उससे सिर्फ बस भाड़े पे ली, बस भाड़े पे ली, पेट्रोल हम भरवाएंगे, डीजल हम भरवाएंगे, ड्राइवर अपना, तो टीडीएस 194i में कटेगा, दैट इज रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वो रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में चला जाएगा। अब एक और चीज समझना, कभी कभी आप क्या करवाते हो, फ्लाइट का एक सिंगल टिकट बुक करवाते हो, जैसे मान लो रिलायंस ने अपने किसी एम्प्लॉय के लिए फ्लाइट का टिकट बुक करवाया मुंबई से लेके और यूएसए में किसी जगह के लिए, ठीक है। अब एक बात समझना, मुंबई से यूएसए का एक टिकट बुक करवाया, उसका 70,000 रुपया लगा, क्या उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा? एक सीबीडीटी का सर्कुलर है कि सिंगल टिकट जब आप बुक करवाते हो फ्लाइट का वगैरह, एक दो टिकट बुक करवाते हो तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पूरा प्लेन ही भाड़े पे ले लेते हो, जैसे कि चलो अनुष्का की शादी में जाने के लिए रिलायंस ने पूरा प्लेन ही भाड़े पे ले लिया कि पूरा प्लेन में सब अपने एम्प्लॉय वहां जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपने पूरा प्लेन ही भाड़े पे ले लिया तो उस केस में उस पर टीडीएस है वो 194C में कटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा 194C में, लेकिन ट्रांसपोर्टर ये डिक्लेरेशन दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है, ट्रांसपोर्टर ये डिक्लेरेशन दे देता है कि उसके पास 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है एंड वो आपको अपना पेन नंबर दे देता है, तो उस केस में उसका टीडीएस है वो काटने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। सो इफ ट्रांसपोर्टर इज गिविंग द डिक्लेरेशन दैट ही डोंट हैव द मोर देन 10 व्हीकल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड बेटा उसका पेन नंबर आपको दे देता है, तो उस केस में उसका टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, एक और चीज आती है इसमें वर्क में, कि प्रोडक्शन ऑफ द एनी गुड्स, लाइक एनी गुड्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एज पर द क्लाइंट स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट। अगर किसी भी क्लाइंट के लिए गुड्स का या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय दैट क्लाइंट, तो उस केस में बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, उस पर टीडीएस कटेगा। इन सिंपल वर्ड अपन बोल सकते हैं लेबर जॉब, इन सिंपल वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अपन बोलते हैं करके, ठीक है, या लेबर जॉब वगैरह अपन जो बोलते हैं। आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक बात समझना, मुझे मान लो वी कैन टेक वन एग्जांपल, मुझे एक स्पेसिफिक फर्नीचर स्पेसिफिक टेबल बनाना था मेरे ऑफिस के लिए, तो मैं किसी कारपेंटर के पास गया, उसकी दुकान पे गया और मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा टेबल बनाना है, ऐसा टेबल होना चाहिए, इसकी ये साइज होनी चाहिए, मैंने पूरा स्पेसिफिकेशन दिया और मैंने मटेरियल भी उसको ले जाके दिया कि इस मटेरियल से बनाना है करके, ठीक है। तो अगर उसने वो टेबल बना के मुझे दिया तो टीडीएस 194C में कटेगा, इट इज कॉल्ड योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात समझना, उसने अगर मटेरियल मार्केट से खरीद के टेबल बना के मुझे दिया तो फिर ये परचेस सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज समझना, अगर मटेरियल मैंने उसको सेल किया होता, मैंने मटेरियल उसको सेल किया होता और उसी मटेरियल से उसने टेबल बना के मुझे दिया होता, तो क्या 194C में टीडीएस कटता? आंसर इज यस। मटेरियल इज सेल और सप्लाइड बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट है वो मटेरियल को सेल करता है या सप्लाई करता है, टीडीएस आपका 194C में कट जाएगा, जो टीडीएस है वो 194C में कटेगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू, अब एक बात समझना, मेनी टाइम क्या होता है इनवॉइस में सर लेबर का वैल्यू भी रहता है और मटेरियल का भी वैल्यू रहता है, तो टीडीएस किस पे कटना है? सिर्फ लेबर वाले पार्ट पे, जो तुम्हारा लेबर वाला कंपोनेंट रहेगा वो लेबर वाले कंपोनेंट के केस में आपको टीडीएस काटना है, लेबर वाले पार्ट पे जो उसका सर्विस चार्जेस है उस पर टीडीएस काटना है। लेकिन अगर इनवॉइस में बाइफर्केशन नहीं दे रखा है तो पूरे इनवॉइस वैल्यू पे आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। एक और चीज समझना, यहां पे बेटा कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा सब कॉन्ट्रैक्ट है वो सब कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एक और चीज समझना, किसी इंडिविजुअल एचयूएफ का पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो मेरी शादी में मैंने कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। मेरे पलंग बनवाया घर पे, उसका टीडीएस है वो काटने, घर का फर्नीचर बनाया उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑफिस का फर्नीचर बनाया तो ऑब्वियसली मुझे उस पे टीडीएस है वो काटना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 194D। बोलो 194D, D को ऐसे याद रखोगे दलाल, दलाल कौन होते हैं? इंश्योरेंस एजेंट।
जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो दलाल होते हैं, ये समझ लो ठीक है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, याद रखने के लिए मैं ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ ठीक है। तो 194D इज अ दलाल, दलाल मींस इंश्योरेंस एजेंट। अब एक बात समझना, इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो किससे मिलता है कमीशन, इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी है वो अगर रेजिडेंट एजेंट को कोई भी कमीशन देते हैं उस पर टीडीएस कटेगा, टीडीएस का रेट रहेगा 5% और टीडीएस तभी कटेगा जब कमीशन इंश्योरेंस एजेंट को मिल रहा है वो पूरे साल का 15,000 से ज्यादा है। अगर अप टू 15,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 15,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस कटेगा करके ठीक है। दूसरी 194DA सेक्शन को आप अपने याद रखने के लिए ऐसे याद रखोगे, डेथ आफ्टर डेथ होने के बाद अपने को क्या मिलता है वहां पे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अब एक बात समझना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी डेथ आफ्टर मिलता है तो वो तो ऐसे भी एग्जेम्प्ट होता है, बट इस सेक्शन को याद रखने के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होता है 1010D में, लेकिन एक चीज समझना, जब आप प्रीमियम पे करते हो और वो प्रीमियम पे करते टाइम वो 10% 20% 15% की लिमिट से ज्यादा अगर आपने प्रीमियम पे किया तो मैच्योरिटी अमाउंट वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, और जब मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है तो 194DA में टीडीएस काटेगा। पेयर कौन रहेगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है वो टीडीएस काटेगी, और किसका, एनी रेजिडेंट पर्सन को, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट किया तो टीडीएस कटेगा, 1% की रेट से टीडीएस कटेगा, लेकिन टीडीएस तभी कटेगा जब आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो 1 लाख रुपीज और मोर है, लेस देन 1 लाख है तो टीडीएस नहीं कटना, टीडीएस 1% से काटना है और वो 1 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। क्या एक्जैक्टली 1 लाख है तो भी टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस, इसमें भी एक्जैक्टली 1 लाख है तो टीडीएस कटेगा। ऐसा ही 192A जो अपन ने देखी थी उसमें एक्जैक्टली 50,000 था तो भी टीडीएस कटेगा, इस सेक्शन में भी ऐसा ही है, एक्जैक्टली 1 लाख है तो भी टीडीएस कटेगा, लेस देन 1 लाख है तो उसमें टीडीएस है वो आपका नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन 194E को कैसे याद रखोगे, ई मतलब आपको पता है आईपीएल अपन देखते थे, और जब आईपीएल देखते हैं तो आईपीएल के बीच में एक इनिंग आती है, दैट इज एक्स्ट्रा इनिंग, तो एक्स्ट्रा इनिंग से याद रखोगे आईपीएल ठीक है। ई ई क्या बोलती है सेक्शन, ये बेसिकली सेक्शन एक्स्ट्रा इनिंग से याद रखोगे कि जो भी तुम्हारे नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर को आप अगर कोई पेमेंट करते हो तो टीडीएस 194E में कटेगा। ये सेक्शन एक्सक्लूसिवली सिर्फ नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर को पेमेंट करते हो तो ये सेक्शन लगेगी। अब एक बात समझना, पेयर कौन होगा इसमें, एनी पर्सन, लेकिन पे किसको पेमेंट कर रहे हो, या तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को। स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे जितने भी क्रिकेट प्लेयर आते हैं यहां खेलने के लिए, क्रिस गेल वगैरह, तो वो सब स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब आईसीसी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब है, वो तुम्हारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो जाए। और एंटरटेनर का मतलब क्या होता है, जो एंटरटेनर करने के लिए वो चेयर लीडर्स वगैरह आती है एंटरटेन करने के लिए वो, या फिर मान लो कोई बाहर से सिंगर वगैरह आया, जस्टिन वगैरह आया और उसको अगर पेमेंट किया, या मान लो वाका वाका करने के लिए वो आई, तो दैट इज कॉल्ड एंटरटेनर, उसका जो पेमेंट करोगे आपका टीडीएस 194E में कटेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे एक चीज आप ध्यान रखना, ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट एंटरटेनर, सॉरी नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर के साथ साथ वो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और होना चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया इंडियन सिटीजन है और नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, तो इस सेक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा, फिर आप 195 वगैरह में जाओगे। लेकिन ये सेक्शन तभी लगेगी जब वो पर्सन नॉन रेजिडेंट होना चाहिए एज वेल एज नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एंटरटेनर, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर को पेमेंट करते हो, लेकिन ध्यान रखना वो स्पोर्ट्स पर्सन एंड एंटरटेनर इंडियन सिटीजन भी नहीं होने चाहिए, नॉन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन नहीं होने चाहिए। अब एक और चीज समझता, इनको आप पेमेंट करते हो टीडीएस आपको 20% की रेट से काटना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना जब आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहां पे आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का ध्यान रखना पड़ेगा। सरचार्ज आप तब जोड़ोगे जब 1 करोड़ से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा पेमेंट है करके ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करोगे कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एवरी टाइम आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को आप पेमेंट करते हो, किसके लिए पेमेंट करते हो पता है, या तो वो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं या किसी गेम प्ले करने के लिए आते हैं, जैसे गेम खेलने के लिए, जैसे आईपीएल खेलने के लिए इंडिया में आए और उनको जो पेमेंट किया आपको टीडीएस है वो 194E में कटेगा, या फिर इंडिया में एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं। तो जितने भी जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है वो अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए इंडिया में आते हैं, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक एडवर्टाइजमेंट आईपीएल के दौरान आता है, दैट इज ऊ ला ला ले ओ एडवर्टाइजमेंट इज अ किंग फिशर का एडवर्टाइजमेंट आता है, वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन वो एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर यूबी ग्रुप ने उनको जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया टीडीएस 194E में कटेगा। या फिर उन्होंने कोई आर्टिकल दिया, बहुत बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है कि क्रिस गेल ने ऐसा कहा करके ठीक है, तो वो आर्टिकल के लिए उसको कुछ पैसा मिलता है तो टीडीएस है वो 194E में कटेगा। एज वेल एज ध्यान रखना एक और चीज कि अगर जो एंटरटेनर है वो एंटरटेनर ने कहीं भी परफॉर्म किया, ग्राउंड में परफॉर्म किया, कहीं भी परफॉर्म किया और उसको जो पेमेंट मिलेगा उसका
टीडीएस 194E में कटेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज समझना, आपका अगर 10 रुपए का पेमेंट है तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा, यहां पे कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज 194G, और 194G मतलब आपको गैम्बलिंग कौन सिखाता है? एक बात बताओ, आपको गैम्बलिंग कौन सिखाता है? जो लॉटरी एजेंट होते हैं वो आपको गैम्बलिंग सिखाते हैं, जी को गैम्बलिंग से याद रखोगे। तो लॉटरी एजेंट बुलाता है आपको अंदर और गैम्बलिंग सिखाता है, गैम्बलिंग कर। तो लॉटरी एजेंट को जो कमीशन मिलेगा उस पर टीडीएस 194G में कटेगा। पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, टीडीएस का रेट यहाँ 5% रहेगा, और टीडीएस तभी काटना है जब 15,000 से ज्यादा का कमीशन है। इफ मोर देन 50,000 तभी टीडीएस काटना है, 15,000 तक कमीशन है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सेक्शन इज 194H करके, ठीक है, यहां पे 19GH हुआ है कॉम्पैक्ट में, इसको 194H कर देना, वो जी को 4 को जी कर दिया, 194H करके। 194H इज अ टीडीएस ऑन द कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब एच को कैसे याद रखोगे? आपको पता है जब आप हाउस भाड़े पे लेते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? ब्रोकरेज। जब आप हाउस भाड़े पे लेते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो हाउस भाड़े पे लेते हो उस पर ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज पे टीडीएस 194H में कटेगा। कौन पे कर रहा है कमीशन एंड ब्रोकरेज? तो देखो, कोई भी एनी पर्सन पे करेगा कमीशन ब्रोकरेज टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा था। मतलब लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था तो ही टीडीएस काटना है इंडिविजुअल एचयूएफ को, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। किसको पे कर रहे हो कमीशन ब्रोकरेज? किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस का रेट 5% रहेगा और 15,000 से ज्यादा कमीशन है तो ही टीडीएस काटना है। एक और चीज ध्यान रखना, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई कमीशन है, इफ एनी कमीशन इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कमीशन है तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इफ एनी कमीशन इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी तो उस पे टीडीएस, जैसे अंडरराइटर कमीशन है, ठीक है, या फिर ब्रोकर सब ब्रोकर को कोई कमीशन मिलता है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। एक बात बता दूं, कमीशन से रिलेटेड 3 सेक्शन हो गई, कमीशन से रिलेटेड 3 सेक्शन हो गई। कौन कौन सी? एक तो तुम्हारा कमीशन किसका, वो अपन ने देखा डी इंश्योरेंस एजेंट का, दैट इज दलाल, इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन। दूसरा जी गैम्बलिंग सिखाता है, कौन? लॉटरी एजेंट का करके, ठीक है। और एक तुम्हारा हाउस भाड़े पे लेते 194H, कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब एक बात समझना, तीनों चीजों में एक सिमिलरिटी है, तीनों चीजों में रेट 5% और तीनों में 15,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो ही टीडीएस काटना है। अप टू 15,000 है पूरे साल का तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज द 194I। आई को ऐसे याद रखोगे, आई मतलब मम्मी, आई हम महाराष्ट्र में मराठी में हम लोग मम्मी को आई बोलते हैं। आई मतलब आज आप इतने बड़े हो गए हो और आई को आपको लगता नहीं रेंट देना चाहिए, अपन उनके घर में पड़ गए करके, ठीक है, तो उनके घर में रह रहे हैं तो उनके लिए उनको अपन रेंट देना चाहिए, ऐसे याद रखो सिर्फ, ठीक है। तो 194I दैट इज रेंट, रेंट पे टीडीएस। अब एक बात समझना, रेंट कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, या फिर तुम्हारा बिल्डिंग है, या फिर तुम्हारा इक्विपमेंट्स है, लैंड है, उसका जो रेंट है उस पे टीडीएस 194I में कटेगा। अब एक चीज समझना सर, पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन, लेकिन ध्यान रखना इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा थी। मींस इन केस ऑफ द इंड पेयर इज इंडिविजुअल और एचयूएफ तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा थी। किसको पे कर रहे हो रेंट? किसी भी रेजिडेंट पर्सन को पे कर रहे हो, टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट क्या रहेगा टीडीएस का? रेट इसमें समझना, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है तो 2%, और बेटा प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का रेंट है तो 2%, और लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का रेंट है तो 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट का तो 2%, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर का तो 10% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, टीडीएस यहां पे तभी काटना है जब आप रेंट पे कर रहे हो जिस पर्सन को वो पूरे साल का मिला के 1,80,000 से ज्यादा है, मतलब 1,80,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। आई कैन टेक वन एग्जांपल, एक बात बताओ इधर देखो सब लोग, मैंने क्या किया, मेरा जो क्लासरूम है जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्लासरूम मैंने भाड़ा पे ले रखा है, और वो भाड़े पे ले रखा है मैंने एक बंदे से जिसका नाम है मिस्टर काका। क्या नाम है? मिस्टर काका। अब मिस्टर काका से मैंने भाड़े पे ले रखा है, काका को मैं पूरे साल का मिला के फॉर 1 ईयर आई एम गिविंग द रेंट ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख। क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक बात समझना, मैंने जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो एसी वगैरह है, जो कैमरा वगैरह है, वो भी भाड़े पे ले रखा है काका से, और उसका रेंट है 50,000। मैंने फर्नीचर भी भाड़े पे ले रखा है, उसका रेंट है 50,000, और मैं काका को रेंट पे कर रहा हूं 50,000 1 लाख का, मीन्स टोटल 2 लाख का रेंट मैं काका का दे रहा हूं, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी का, काका को मैं रेंट दे रहा हूं वो 2 लाख दे रहा हूं। क्या टीडीएस कटेगा? यानी आंसर इज यस, टीडीएस कट जाएगा, बिकॉज आप जिस पर्सन को रेंट पे कर रहे हो वो मोर देन 1,80,000 है, यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। वो 1,80,000 भले किसका रेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब बिल्डिंग का, लैंड का, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर सबका मिला के जो रेंट दे रहे हो वो अगर 1,80,000 से ज्यादा है तो आपको उसका टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। एक और चीज समझना, यहां पे मैंने ये जो बिल्डिंग भाड़े पे ले रखी है उस बिल्डिंग का रेंट 3 लाख है, तो मैं काका को बिल्डिंग का रेंट 3 लाख दे रहा हूं, टीडीएस कटेगा? यानी आंसर इज यस, कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, काका मान लो जो है वो को ओनर है इस बिल्डिंग में, मीन्स काका और काका का एक भाई है जिसका नाम है बाला,
सो बाला एंड काका बोथ आर 50-50% ओनर. बाला एंड काका बोथ आर 50-50% ओनर. रेंट ऑफ दिस बिल्डिंग इज अ 3 लाख. आई एम पेइंग रेंट 1,50,000 टू बाला एंड 1,50,000 टू काका. इज आई रिक्वायर टू डिडक्ट द टीडीएस और नॉट? आंसर इज नो. इवन बिल्डिंग रेंट इज मोर देन 1,80,000, बट जिसको मैं पे कर रहा हूं वो बेटा 1,80,000 से ज्यादा नहीं है. काका को मैंने 150 पे किया, बाला को 150 पे किया, उस केस में मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारा अरियर्स ऑफ रेंट है, जो पहले रेंट कुछ डिस्प्यूट में था और अब अगर आप रेंट दे रहे हो तो उस पर भी टीडीएस कटेगा. एडवांस रेंट अगर आपने दिया तो उस पर भी आपको टीडीएस है, वो काटना पड़ेगा अगर एडवांस रेंट है. एक और चीज समझना यहाँ पे, जो नॉन रिफंडेबल डिपोजिट है वो रेंट ही तो मानी जाती है. नॉन रिफंडेबल डिपोजिट, अगर आपने डिपोजिट दी जो आप जिसका आपको रिफंड नहीं मिलने वाला, तो वो तुम्हारा क्या रेंट ही तो अल्टीमेटली, तो उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा. एक और चीज समझना, जो रिट होता है REIT, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसकी पता है ओन प्रॉपर्टी पे जो रेंटल इनकम होती है रिट को, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है 1023 FCA में. तो उस पे जब एग्जेम्प्ट है तो उसको जब आप रेट को कोई रेंटल इनकम पे कर रहे हो तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. अब एक और चीज समझना, जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, लैंडिंग चार्ज पार्किंग चार्जेस पे करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को. जो लैंडिंग चार्ज पार्किंग चार्जेस या अदर फैसिलिटी जो यूज कर रहे हैं उसका चार्जेस पे कर रहे हैं किसको, अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को. क्वेश्चन ही आता है टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा, 194C में या 194I में? आंसर इज 194C में कटेगा. देयर इज अ केस लॉ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द जापान एयरलाइंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस. जो जापान एयरलाइंस सिंगापुर एयरलाइंस के केस में कोर्ट ने ये बोला कि टीडीएस है वो तुम्हारा 194C में कटेगा, ना कि 194I. 194I में नहीं कटेगा, 194C में कटेगा. अब एक और चीज समझना, जो म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं रेंट में, उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. एक और चीज समझना, अगर जो रेंट रिसीव कर रहा है उसका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है तो बेटा यहां पे वो 15G 15H दे सकता है. 15G 15H क्या होता है कि आपका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है तो आगे वाले को आप 15G 15H दे दो तो वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा. एक डिक्लेरेशन होती है कि मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है तो वो 15G 15H दे सकते हैं. आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, मेरी मम्मी की एक बिल्डिंग है और मेरी मम्मी की एक बिल्डिंग है, मम्मी ओनर है, मम्मी को रेंट मिल रहा है 2 लाख का पूरे साल का और मम्मी की ऑल कोई अदर इनकम नहीं है, तो मम्मी क्या 15G 15H दे सकती है? आंसर इज यस. मम्मी 15G 15H देगी तो जो भी तुम्हारा टेनेंट है वो टेनेंट उस पे टीडीएस नहीं काटेगा. अब एक और बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज 194IA. 194IA को ऐसे याद रखो कि 2 साल पहले एक नई सेक्शन आई है 194IA. तो एक नई सेक्शन आई है 194IA. 194IA ये बोलती है कि जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल करोगे तो उस पे टीडीएस 194IA में कटेगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट नहीं होती है और जब वो कैपिटल असेट नहीं होता तो उसमें सेलर के हाथ में कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए. अब एक बात समझना, जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस सेल करते हो तो टीडीएस 194IA में कटेगा. अब एक चीज समझना, 194IA क्या बोलती है, टीडीएस कौन काटेगा? बायर काटेगा. किसका? सेलर का. बायर एनी पर्सन, सेलर है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए. मतलब जो पेई है सेलर है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए तो ही टीडीएस कटेगा. टीडीएस का रेट 1% रहेगा. और एक और चीज समझना, टीडीएस तभी कटेगा जब उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन है वो 50 लाख और मोर है. मतलब एग्जैक्ट 50 लाख है तो भी क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस. एग्जैक्ट 50 लाख है तो भी टीडीएस कटेगा, लेकिन 50 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा. मतलब जो प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो वो उसका कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा. लेस देन 50 लाख है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा. लेकिन एक चीज समझना, या एसडीवी से कोई मतलब नहीं है. जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल, आई परचेज वन प्रॉपर्टी फॉर द 40 लाख रुपीज एंड उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 55 लाख है, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो. यहां पे टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज बेटा यहां पे कंसिडरेशन आपका 50 लाख या उससे ज्यादा नहीं है. कंसिडरेशन 50 लाख से कम है, 50 लाख या उससे ज्यादा कंसिडरेशन है तो ही आपको टीडीएस काटने की जरूरत है. एक और चीज समझना, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी 80 लाख में खरीदी, मीन 80 लाख इज अ कंसिडरेशन, बट जो सेलर है वो सेलर दो को ओनर है, एक बाला और एक काका. बाला को 40 लाख पे कर रहा हूं, काका को 40 लाख पे कर रहा हूं, क्या टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? आंसर इज यस, टीडीएस कटेगा. यहां लॉ बोलता है कि कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज मोर देन, मतलब 50 लाख और मोर तो टीडीएस काटना पड़ेगा, लेस देन 50 लाख है तो नहीं काटना. यहां प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन से मतलब है. वहां पे 194I में अपन ने देखा था जिस पेई को दे रहे हो वो पेई वाइज लिमिट देखी जाएगी. यहां प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन देखना है, वो कंसिडरेशन पूरी प्रॉपर्टी का अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उसमें आपको टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा. कौन सी रेट से? 1% की रेट से. ऑन द कंसिडरेशन, एसडीवी से मतलब नहीं, कंसिडरेशन पे 1% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा. एक और चीज समझना, 194IA है उसमें जो भी बायर है उसको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है.
देर इज नो नीड टू लाइक ऑप्टेन द 10 नंबर, क्योंकि टीडीएस काटने के लिए अपने को 10 नंबर रहता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एक रिटर्न फाइल करते हैं, दैट इज 26 QB। आप लोगों ने ऑफिस में फाइल किया होगा 26 QB, तो 26 QB में आप रिटर्न फाइल कर दो, आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। और एक और बात समझना, इसमें टीडीएस कब तक पे करना पड़ता है और 26 QB कब तक फाइल करना पड़ता है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस वॉज डिडक्टिबल, मतलब जिस महीने में आपने टीडीएस डिडक्टिबल था उस मंथ के एंड से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो रिटर्न फाइल करना पड़ता है और टीडीएस पे करना पड़ता है। अब एक और बात समझना, अगर आपने पार्ट कंसिडरेशन ही पे किया तो उस पार्ट पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, अगर पार्ट कंसिडरेशन पे किया तो पार्ट पे आपको टीडीएस काट के और अगले महीने की 30 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 IB। आईबी का मतलब क्या होता है, ये नई सेक्शन है जो लास्ट ईयर ही आई है। आईबी को ऐसे याद रखोगे, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे, भाड़े मतलब बी करिए, ठीक है, 194 IB आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली है। अब एक बात समझना, आप कोई भी प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो तो रेंट होता है, उसका टीडीएस तो 194 I में कटता है, तो फिर यह आईबी किस में है? देखो, आई में टीडीएस कब कटता है, जब तुम्हारा पेयर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं काटना अगर लास्ट ईयर में उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ये उन्हीं लोगों पे लगेगी। मतलब जो ये किस पे लगेगी, जो इंडिविजुअल एचयूएफ जो तुम्हारे 194 I में कवर नहीं होते। तो देखो, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ ऐसा है जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसको 194 I में तो टीडीएस नहीं काटना, लेकिन 194 IB है वो उस पे लग जाएगी। तो देखो, यहां पेयर में मैंने क्या बोला हुआ है, इंडिविजुअल एचयूएफ जो अदर देन 194 I में कवर हो जाते हैं, जो 194 I में कवर हो जाते हैं वो 194 I में काटेंगे, 194 I में कवर नहीं होते वो 194 IB में काटना पड़ेगा। तो देखो, यहां पे पेयर में मैंने क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन कवर्ड इन 194 I। आप किसको पे कर रहे हो, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को रेंट पे कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो आपको टीडीएस काटना है, और तभी टीडीएस काटना है जब पर मंथ का रेंट है, वो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है। अगर आपका पर मंथ का रेंट या पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है, तो आपको इसमें टीडीएस आईबी में काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना आप लोग, यहां पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे लेते हो तो 194 IB लगेगा, लेकिन आई में पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ में प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर सबका रेंट उसमें कवर होता था, यहां पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर हुई है। और एक चीज समझना, यहां पे मैंने क्या बोला, पेयर इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं था, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं था, वो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी भी पर्सन को रेंट पे कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है वो तुम्हारा 50,000 या उससे ज्यादा है, मतलब 50,000 या उससे कम है तो टीडीएस नहीं काटना, अगर पर मंथ का रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरा लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ था और मैंने एक घर भाड़े पे लिया जिसका भाड़ा 60,000 पर मंथ है, तो 60,000 पर मंथ पूरे साल का कितना हुआ, 7,20,000। अगर मान लो मेरी ऑडिट वगैरह हुई थी तो मुझे टीडीएस 194 I में काटना पड़ेगा, ऑडिट वगैरह नहीं थी और 50,000 से ज्यादा रेंट है तो मुझे 194 IB में टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस का रेट रहेगा 5%। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि टीडीएस आपको सिर्फ लास्ट मंथ में काटना है, आपको पूरे साल टीडीएस नहीं काटना, लास्ट मंथ जो टेनेंसी का रहेगा या लास्ट मंथ फाइनेंशियल ईयर का रहेगा। जैसे मान लो लास्ट मंथ टेनेंसी का, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, दिसंबर में घर खाली करने वाले हो, आपका टेनेंसी पीरियड दिसंबर में खत्म होने वाला है, तो दिसंबर का रेंट रहेगा उससे टीडीएस काटना है, या फिर मान लो आपका लंबा 3-4 साल का अग्रीमेंट है तो उस केस में जो मार्च का रेंट रहेगा उससे आपको टीडीएस काटना है। तो टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड Only in the last month of the tenancy or the last month of the year, उस year में आपको, उस last month में ही आपको TDS काटना है। जैसे I can take example, मैंने घर भाड़े पे लिया जिसका 60,000 per month भाड़ा है, तो total भाड़ा कितना हुआ 12 महीने का, I think 7,20,000, right? 7,20,000। अब एक बात समझना, 7,20,000 पे टीडीएस है, वो 5% की रेट से काटना है तो कितना आ जाएगा, 36,000। 36,000 मुझे लास्ट मंथ में टीडीएस काटना है, तो लास्ट मंथ का रेंट कितना रहेगा, 60,000। तो 60,000 में से मुझे 36,000 टीडीएस काटना है, 24,000 रेंट है वो मैं आगे वाले को पे कर दूंगा। लेकिन एक बात समझना, यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बोलता है कि अगर पेई ने अपना पैन नंबर नहीं दिया, जो आगे वाला पर्सन है जो पेई है उसने अपना अगर पैन नंबर नहीं दिया, जो पेई ने अपना पेन नंबर नहीं दिया, तो उस केस में टीडीएस 20% से काटना पड़ता है। लेकिन एक बात बताओ, आप 7,20,000 का अगर 20% करने जाओगे तो 1,44,000 तक आ जाएगा, बिकॉज 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 7,20,000 इज टोटल रेंट
और 7,20,000 का अगर आप 20% करोगे तो 1,44,000 आया। बट एक बात बताओ, 1,44,000 तो अपने पास है ही नहीं, बिकॉज लास्ट मंथ में टीडीएस काटने के लिए लास्ट मंथ का रेंट कितना है, ओनली 60,000। तो क्या अपने को 144 काटना है या ओनली 60,000? तो लॉ क्लियरली बोलता है ओनली 60,000, मतलब लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा टीडीएस नहीं काटना है। तो लास्ट मंथ का रेंट कितना होगा तुम्हारा, 60,000। सो यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस ओनली ऑफ रुपीज 60,000। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? तो देखो, अगर मान लो जो भी पेई है वो पेई ने आपको अपना पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस 20% से काटना है, लेकिन इट इज टू द एक्सटेंट लास्ट मंथ का रेंट, लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा टीडीएस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन 194 आईसी, ये अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था, पता है एक जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट होता है, और जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के केस में क्या होता है कि जो बिल्डर है, बिल्डर को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, बिल्डर आपको बनने वाला प्रोजेक्ट में आपका शेयर देगा, उसके साथ में कुछ पैसा भी देता है। तो बिल्डर अगर आपको कुछ भी मनी देता है, पैसा देता है, तो उस पर टीडीएस कटेगा। पेयर एनी पर्सन, पे एनी रेजिडेंट पर्सन, टीडीएस का रेट यहां पर 10% की रेट से रहेगा, और सिर्फ मनी वाले पोर्शन पे यहां 10% की रेट से टीडीएस काटना है। एक और चीज समझना, अभी जो मैंने आपको आईबी पढ़ाया था ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली, आईबी 194 आईबी इमूवेबल प्रॉपर्टी भाड़े पे ली, उसमें 50,000 से ज्यादा का रेंट पर मंथ है तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। उसमें भी आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, जैसा 194 आईए में पढ़ा था वैसा का वैसा 194 आईबी में भी आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। आपका जो जिस मंथ में आपने टीडीएस काटा उसके अगले महीने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, 26QC शायद इसका फॉर्म होता है, उस फॉर्म में आप सीधा भर दो करके, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 194J, 194J किसको बोलते हैं, जे मतलब जानी दुश्मन। आप लोगों के लिए जानी दुश्मन कौन होता है, आपका बॉस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों के लिए जानी दुश्मन होता है, तो मतलब जैसा होता नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए 194J इज जानी दुश्मन, मतलब प्रोफेशनल फीस। तो देखो, प्रोफेशनल फीस पे, टेक्निकल फीस पे, नॉन कॉम्पिट फीस पे, रॉयल्टी एंड डायरेक्टर फीस पे टीडीएस 194J में कटेगा। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, डायरेक्टर फीस, नॉन कॉम्पिट फीस एज वेल एज तुम्हारा रॉयल्टी, उस पर टीडीएस 194J में कटेगा। सर पेयर कौन? पेयर में मैंने बोला एनी पर्सन, लेकिन ध्यान रखना अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में उसका ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा था या फिर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, तो ही टीडीएस काटना है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को पेमेंट कर रहा है प्रोफेशनल फीस का, टेक्निकल फीस का वगैरह, तो टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसिट है वो 50 लाख से ज्यादा था। एक और चीज समझना, सर किसको पे कर रहे हैं, ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को पे करते हो तो ही टीडीएस काटना है, टीडीएस का रेट 10% रहे। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप कॉल सेंटर को कुछ पेमेंट करते हो तो टीडीएस का रेट है वो 2% रहेगा 10% की जगह। तो कॉल सेंटर को पे किया तो 2%, अदर को अगर आपने पे किया तो 10% की रेट से आपको टीडीएस काटना है। एक और चीज समझना, यहां पे टीडीएस है वो तभी काटना है जब आप प्रोफेशनल फीस जो दे रहे हो या टेक्निकल फीस दे रहे हो, नॉन कंपीट फीस, रॉयल्टी दे रहे हो, वो 30,000 से ज्यादा है। और एक और चीज समझना, ये 30,000 का लिमिट अलग अलग पे लगेगा, मतलब प्रोफेशनल फीस पे अलग 30, टेक्निकल फीस पे अलग 30, रॉयल्टी पे अलग 30, नॉन कॉम्पिट फीस पे अलग 30, लेकिन डायरेक्टर फीस पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर डायरेक्टर को आपने 10 रुपीज दिया, देन ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस ऑफ 1 रुपीज। आपने डायरेक्टर को 10 रुपीज दिया तो भी उस पर आपको 1 रुपीज टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन ये 30,000 का लिमिट प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी और नॉन कॉम्पिट फीस पे लगेगा, और सेपरेट सेपरेट लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन टेक वन एग्जांपल। मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स ने आपको 25,000 का प्रोफेशनल फीस पे किया, 27,000 का आपको टेक्निकल फीस पे किया, 28,000 का आपको रॉयल्टी पे किया, आपको पे किया, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, बिकॉज दिस लिमिट ऑफ 30,000 इज एप्लीकेबल सेपरेटली ऑन द प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी एंड नॉन कंपीट फीस और डायरेक्टर फीस पे कोई भी लिमिट नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट? यस, समझा कि नहीं समझा? आपको समझा। अब एक और चीज समझना आप लोग, देखो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर में ऑडिट होता है, लास्ट ईयर में मतलब ऑडिट लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर ग्रॉस एसेट है, तो इस बार इंडिविजुअल एचयूएफ किसी रेजिडेंट पर्सन को पे करेगा तो टीडीएस काटना है। लेकिन एक चीज समझना, प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस पे काटना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को पे कर रहा है, इवन उसका लास्ट ईयर में ऑडिट हुआ है, तो भी टीडीएस नहीं काटना है ऑन द रॉयल्टी, नॉन कंपिट फीस एंड डायरेक्टर फीस। देखो इंडिविजुअल एचयूएफ डायरेक्टर फीस तो दे नहीं सकता, डायरेक्टर फीस तो सिर्फ कंपनी देती है, लेकिन जैसे मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, ठीक है, मेरा लास्ट ईयर ऑडिट हुआ था, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था, तो मैंने इस बार प्रोफेशनल फीस दिया उस पर टीडीएस काटना है, टेक्निकल फीस पे टीडीएस काटना है, लेकिन रॉयल्टी नॉन कंपीट फीस पे टीडीएस नहीं काटना, इवन माय लास्ट ईयर टर्नओवर वाज मोर देन 1 करोड़। तो देखो इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर में ऑडिट होता है, लेकिन एक और चीज समझना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस दिया तो ही टीडीएस काटना है, रॉयल्टी नॉन कंपीट फीस दिया तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस, सिर्फ
प्रोफेशनल सर्विस की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल सर्विस अगर आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ली तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, किसी एडवोकेट का सर्विस मैंने लिया कुछ फैमिली मैटर के लिए, ठीक है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। डॉक्टर का सर्विस मैंने लिया एचयूएफ का इलाज करवाने के लिए, एचयूएफ में कोई मेंबर बीमार था उसका इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर का सर्विस लिया तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। पर्सनल पर्पस के लिए आप प्रोफेशनल सर्विस लेते हो तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 194LA। 194LA मतलब आपकी प्रॉपर्टी ले गए वो लोग, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी ले गए, ले गए आपकी प्रॉपर्टी 194LA, दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द इमोवेबल प्रॉपर्टी, पेयर एनी पर्सन, पे रेजिडेंट पर्सन। टीडीएस का रेट है वो 10% है, टीडीएस तभी काटना जब कंसिडरेशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लो रूरल एग्रीकल्चर लैंड वगैरह का कंपलसरी एक्विजिशन होता है और आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है कैपिटल गेन तो टीडीएस नहीं कटेगा। 194LB बोलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो होता है उसके इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा 194LB में। पेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे करता है किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को 5% की रेट से टीडीएस कटेगा। और मैं बता दूं वो 5% की रेट से इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है इन हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 115A। जो 115A सेक्शन है उसमें 5% की रेट से टैक्सेबल होता है। लास्ट सेक्शन 195 ये बोलता है टीडीएस ऑन एनी सम पेबल टू द नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को आप पे करते हो लेकिन देखो कुछ सम ऑलरेडी कवर हो गए, जैसे सैलरी ऑलरेडी कवर हो गया, विनिंग का अमाउंट ऑलरेडी कवर हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे 194E में एक्स्ट्रा इनिंग में ऑलरेडी कवर हो गया, तो उनको छोड़ के कुछ भी पेमेंट करते हो और वो पेमेंट उसके हाथ में टैक्सेबल है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस का रेट क्या रहेगा बताए, आपका DTAA का रेट, आपका जो भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के हिसाब से जो रेट है, या फिर आपका इनकम रेट इन फोर्स, या तो DTAA का रेट या रेट इन फोर्स जो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है, विच एवर इज बेनिफिशियल, विच एवर इज लोअर वाला रेट रहेगा उस रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक बात समझना, कुछ चीजें हैं वो टीडीएस से रिलेटेड अपन पढ़ते हैं। देखो टीडीएस में एक चीज ध्यान रखना, अगर टीडीएस अगर कोई अमाउंट है और उसमें सर्विस कंपोनेंट पे जीएसटी तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, आपके सीए ने एक बिल इशू किया अपने क्लाइंट को 1 लाख का, उस पर जीएसटी जोड़ा 18%, 18,000, सो टोटल बिल इज 1,18,000। एंड आउट ऑफ 1,18,000 जो 1,18,000 है उसमें जो 18,000 वाला पोर्शन है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस सिर्फ 1 लाख पे कटेगा, 10,000 टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194J। जो सर्विस कंपोनेंट है जीएसटी पे, जीएसटी जो सर्विस कंपोनेंट पे लगता है उस जीएसटी पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, अगर आप पेमेंट करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन या म्यूचुअल फंड को तो टीडीएस मत काटो, उनकी इनकम ऐसे भी एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड को पेमेंट करोगे तो उसका टीडीएस नहीं काटना। नेक्स्ट सेक्शन 197 क्या बोलती है, दैट इज द नो निल रेट सर्टिफिकेट और लोअर रेट सर्टिफिकेट। उसमें क्या होता है कि जैसे आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज्यादा है और आपको लगता है आपको लॉस ही होने वाला है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको इनकम टैक्स तो आएगा नहीं और बहुत सारे पुराने लॉस है तो वो सेट ऑफ कर दोगे, तो भी जो पेयर है जो आपको जो पेमेंट करेगा वो तो टीडीएस काटेगा। तो आप एक काम करो, एक एओ से रिक्वेस्ट करो, एओ को बोलो कि सर आप हमको एक लोअर डिडक्शन या निल डिडक्शन का सर्टिफिकेट दे दो ना। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मैंने क्या किया कि लाइक मेरे बहुत सारे पुराने लॉसेस है, मेरे कैरी फॉरवर्ड बहुत सारे लॉसेस है, मेरे को पता है इस साल जो भी मुझे मिलेगा वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एओ को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को आप सर्टिफिकेट दे दो जिसमें आगे वाला मेरा टीडीएस नहीं काटे या कम रेट से काटे। तो एओ ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि चलो एक साल तक आपका कोई टीडीएस नहीं काटेगा। जैसे अभी मान लो एल्डाइन ने मुझे पेमेंट किया, तो एल्डाइन ने मुझे प्रोफेशनल फीस पे की, मैंने उनको वो सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो उन्होंने जो मुझे उन्होंने उनको जो सर्टिफिकेट दिया तो वो मेरा फिर अभी टीडीएस नहीं काटेंगे। दैट इज नो डिडक्शन और लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट आपको डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि आपको इनकम नहीं होने वाली, आपको टैक्स नहीं आएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो। एक सेक्शन होता है 197A करके, और ये 197A क्या बोलता है समझने की कोशिश करना। अगर आपकी जो इनकम है वो पांच सेक्शन में आती है, पांच सेक्शन के नेचर की इनकम है, या तो 192A ईपीएफ का पेमेंट, या 193 दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, या 194A दैट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194DA दैट इज डेथ आफ्टर, और 194I दैट इज रेंट। अगर आपको ये पांच नेचर में से किसी की इनकम होती है और आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है तो आप एक काम करो, पेयर को एक सर्टिफिकेट दे दो, दैट इज आप एक डिक्लेरेशन दे दो 15G 15H फॉर्म में। 15G कौन दे सकता है, नॉर्मल पर्सन, बट 15H कौन दे सकता है, सीनियर सिटीजन, तो 15H देगा, तो आप उसको 15G 15H दे दो तो वो आपका टीडीएस नहीं काटेगा। मैंने एग्जाम्पल लिया था, मेरी मम्मी को रेंट मिल रहा है 2 लाख, मेरी मम्मी को रेंट मिलता है 2 लाख और मेरी मम्मी की कोई भी इनकम नहीं है अदर इनकम करके, तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी को कोई टैक्स आएगा नहीं, तो उस केस में मेरी मम्मी है वो 15G फॉर्म है, वो दे सकती है, तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा रेंट के केस में। एज वेल एज द इंटरेस्ट, आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मेरे को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, मेरी और कोई इनकम है ही नहीं है, बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला 2.5 लाख का, और 2.5 लाख का इंटरेस्ट मिला
उसमें लाइक 2.5 लाख वही मेरा जीटीआई हो जाएगा, वही एनटीआई, कोई टैक्स नहीं है, तो उसमें मैं डिक्लेरेशन दे सकता हूँ 15G में। लेकिन एक चीज समझना, जो इनकम आपको मिल रही है ना, वो इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो ये डिक्लेरेशन आप नहीं दे सकते। जैसे आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, मेरे को बैंक से एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है 3 लाख का, आई रिसीव द इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, दैट इज 3 लाख, 3 लाख का मुझे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन मेरा 3 लाख का मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला, 3 लाख का, 3 लाख का मुझे इंटरेस्ट मिला, कितना, 3 लाख का, 3 लाख का इंटरेस्ट मिला, मैंने 1 लाख रुपया है वो एटीसी में इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरी एनटीआई कितनी आई, निल, मुझे कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं यहां पे बैंक को डिक्लेरेशन दे सकता हूं 15G की, आंसर इज नहीं दे सकता। अगर वो इनकम जो मिल रही है ना, वो इनकम ही बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, तो आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। इवन योर एनटीआई इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन, इवन योर एनटीआई इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन, तब भी जो इनकम आपको रिसीव हो रही है, इफ दैट इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन, देन यू कैन नॉट फर्निश द डिक्लेरेशन टू द लाइक बैंक और एनी पर्सन। यू गॉट माई पॉइंट ऑर नॉट? यस। लेकिन एक चीज समझना, सीनियर सिटीजन के केस में ऐसा हो सकता है। आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, मेरी मम्मी है वो सीनियर सिटीजन है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मम्मी सीनियर सिटीजन है, मम्मी ने क्या किया पता है, कि मम्मी का बैंक से इंटरेस्ट मिला वो 3,50,000 का था, मम्मी के लिए बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख की है, इंटरेस्ट 3,50,000 था, मम्मी ने 1 लाख रुपए एटीसी में इन्वेस्ट कर दिया, मम्मी की एनटीआई 2.5 लाख है, 2,50,000, मम्मी को कोई भी टैक्स नहीं आएगा, क्या मम्मी डिक्लेरेशन दे सकती है? नहीं, आंसर इज यस, सीनियर सिटीजन दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। अब एक और बात समझना, जो भी आप टीडीएस काटते हो, आपको अगले महीने की 7 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन मार्च में जो टीडीएस कटा है वो आपको 30 अप्रैल तक जमा करवाना पड़ेगा, मार्च का टीडीएस 30 अप्रैल तक। आपको टीडीएस के रिटर्न भी फाइल करने पड़ेंगे, और रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न होते हैं, आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। अब एक चीज समझना, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते टाइम ड्यू डेट क्या रहेगा, तो मैं बता दूं, फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट होगा जून में, तो 31 जुलाई, सेकंड सितंबर में, 31 अक्टूबर, थर्ड तुम्हारा दिसंबर में, तो 31 जैन, और फोर्थ तुम्हारा 31 मार्च, लेकिन 30 अप्रैल नहीं, 31 मई तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन टीसीएस के रिटर्न फाइल करने की डेट अलग है, टीसीएस के रिटर्न है उसकी 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, 15 मई, तो जहां वहां पे 31 था उसकी जगह यहां पे 15 है, वो हो जाएगा टीसीएस के इसमें रिटर्न फाइल करने का। अब एक बात समझना, जो भी आप टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइल करते हो, फिर उसकी आपको इंटीमेशन आती है, आपने जो रिटर्न फाइल किया वो एक्सएमएल फाइल होती है, वो तुम्हारे सीपीसी बैंगलोर जाती है, वहां पे प्रोसेसिंग होती है, उसमें दो तरह की गलती है तो सुधार देते हैं, वन तो अर्थमेटिक एरर, अगर तुम्हारा कोई अर्थमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है तो उसको वो सुधार देंगे और आपको वापस से मतलब उसमें सुधार के और आपको डिमांड या रिफंड जो भी आएगा वो इंटीमेशन आपको भेज देंगे। लेकिन इंटीमेशन हैज टू बी सेंड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल, तो जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन है, वो इंटीमेशन वो लोग भेज देते हैं। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 201 क्या बोलती है, कि अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं या टीडीएस काटा लेकिन आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, इफ यू नॉट डिडक्टेड द टीडीएस और इफ यू डिडक्टेड द टीडीएस बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, नॉट टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट जो मैंने बोला वो भूल जाओ, एक बार मैंने क्या बोला, 201 ये बोलता है कि अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं या फिर टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवा रहे हो, बेशरम हो आप एकदम करके, टीडीएस काटा ही नहीं या काट के गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवा रहे हो, तो भैया डिपार्टमेंट आपको असेसी इन डिफॉल्ट बना सकता है, आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे और जब असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे तो फिर आपको 220 और 221 का इंटरेस्ट पेनल्टी है वो लग जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आपने टीडीएस काटा ही नहीं या फिर टीडीएस काटा बट आप गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे हो, तो उस केस में आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जा सकते हो। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 201A, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं या काटा बट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाते हो तो फिर आप असेसी इन डिफॉल्ट माने जाओगे। लेकिन अगर आप टीडीएस लेट काटते हो या फिर आप लेट जमा करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट लगता है 201A का। आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया या फिर आपने लेट जमा करवाया तो आपको इंटरेस्ट लगता है 201A का। सर ये इंटरेस्ट कैसे लगता है, क्या लगता है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया, TDS is late deducted. अगर आपने late deduct किया तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन TDS deduct करना था उस दिन से लेकर और जिस दिन आपने TDS deduct किया उस दिन तक आपको 1% per month और part of the month की rate से interest लग जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपने TDS late deduct किया था तो TDS was deductible की date से लेके और जिस दिन TDS actually deducted की date है उस date तक आपको 1% per month और part of the month की rate से interest लगेगा, जितना TDS आपने नहीं काटा था।
और अगर आपने टीडीएस लेट जमा करवाया, क्योंकि आपको टीडीएस कब तक जमा करवाना पड़ता है, अगले महीने की 7 तारीख तक, बट 7 तक आपने जमा नहीं करवाया, उसके बाद जमा करवाया, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यू आर यूजिंग द गवर्नमेंट मनी, आप गवर्नमेंट का पैसा यूज कर रहे हो, तो वहां पर इंटरेस्ट आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से लगेगा। कब से लगेगा पता है? जिस दिन टीडीएस काटा था उस दिन से, मतलब टीडीएस वॉज डिडक्टेड उस दिन से लेकर, और जिस दिन आपने टीडीएस जमा करवाया उस दिन तक आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट है वो लग जाएगा। 234EA बोलता है कि अगर आपने टीडीएस रिटर्न लेट जमा करवाया तो आपको एवरी डे का 200 रुपया पर डे का फीस लगेगा। एवरी डे 200 रुपीज का आपको फीस है, वो फीस आपको लग जाएगा। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड टीसीएस, दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसमें क्या होता है कि जो भी गुड्स का सेल परचेज होता है उस पर टीसीएस लगता है। अगर कोई सेलर है और एक बायर है तो सेलर क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा, उसके साथ में वो पैसा लेगा, उसके साथ साथ में वो आगे वाले पर्सन का टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। ये कुछ कुछ आइटम्स पे लगता है, हर चीज पे नहीं लगता, हर सेल परचेज पे नहीं लगता, ये सिर्फ कुछ कुछ आइटम्स पे लगता है। तो टीसीएस क्या होता है कि सेलर क्या करेगा, बायर से पैसा तो लेगा लेगा, उसके साथ में उसका टैक्स भी कलेक्ट कर लेगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये नॉर्मली एक तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लगता है, जो लीकर होता है वो लीकर पे लगता है, बेवड़े लोगों के पीने का जो दारू होता है उस पे टीसीएस लगता है। वी कैन टेक वन एग्जांपल, कि मान लो एक वाइन शॉप है, वाइन शॉप यूबी ग्रुप के पास गया, यूबी ग्रुप जो वाइन सेल करता है, तो वाइन शॉप यूबी ग्रुप के पास गया, तो यूबी ग्रुप से मान लो 1 लाख का वाइन खरीदा आगे बेचने के लिए, तो 1 लाख रुपीज तो पे करेंगे, उसके साथ साथ में 1% टीसीएस भी पे करेगी वाइन शॉप किसको, यूबी ग्रुप वालों को। तो यूबी ग्रुप वाले 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, फिर गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे अगले महीने की 7 तारीख को। ठीक है, अब एक बात समझना, टीसीएस कहां कहां पे लगता है, तो टीसीएस की कुछ रेट्स है। सबसे पहला अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे 1%, जो तेंदू पत्ते होते हैं, तेंदू पत्ता में तेंदू लीव्स जिससे बीड़ी बनती है, तो वो बीड़ी पत्ते होते हैं उस पे टीसीएस की रेट है, वो आपकी 5% है। ठीक है, तो देखो तेंदू लीव्स पे 5%, आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 1%, टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पे आपका 1%, सॉरी टिम्बर्स एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पे 2.5%, स्क्रैप पे 1%, मिनरल्स जो भी तुम्हारा कोल लिग्नाइट आयरन ओर है उस पे 1%, और मोटर व्हीकल है उस पे भी 1%। तो देखो टीसीएस की रेट अपन ऐसे याद रखते हैं, तेंदू लीव से उस पे 5%, जो तेंदू लीव से उस पे 5%, ठीक है, जो भी टिम्बर प्रोडक्ट है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पे कितना 2.5%, उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट है उस पे 1%। 1% में क्या क्या आएगा, एक तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आएगा, एक तुम्हारा मोटर व्हीकल आ जाएगा, एक तुम्हारे मिनरल्स में जो भी तुम्हारा कोल लिग्नाइट आयरन ओर आ जाएगा, और स्क्रैप आ जाएगा जिस पे टीसीएस है वो 1% की रेट से लगता है। एक और चीज समझना, टीसीएस लीज पे भी लगता है। अगर आप लीज और लाइसेंस पे 3 चीजें लेते हो, क्या, या तो टोल प्लाजा लेते हो लीज पे, या फिर पार्किंग लॉट आप लीज पे लेते हो, या फिर आप माइंस और क्वेरीज वगैरह आप लीज पे लेते हो, तो वहां पे भी टीसीएस आएगा 2% की रेट से। लीज पे भी टीसीएस आता है 3 चीजों का, किस किस का, एक तो पार्किंग लॉट है, दूसरा तुम्हारा टोल प्लाजा है, और तीसरा तुम्हारा माइंस वगैरह है, उसके लीज पे भी टीसीएस आता है। आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, एक बात समझना, जैसे मुंबई में एक मॉल है जिसका नाम है इनऑर्बिट मॉल, जो टाटा का है। अब एक बात समझना, एक इनऑर्बिट मॉल है, वो इनऑर्बिट मॉल, समझने की कोशिश करना, इनऑर्बिट मॉल है, वो इनऑर्बिट मॉल की एक पार्किंग है, वो पार्किंग किसी को भाड़े पे दे दी, पार्किंग है वो किसी को लीज पे दे दी, एक बंदा है जिसका नाम है हरिओम, हरिओम को लीज पे दी, और हरिओम क्या कर रहा है, एवरी मंथ 3 लाख का रेंट देता है इनऑर्बिट मॉल को। इनऑर्बिट मॉल, उन्होंने अपना पार्किंग हरिओम को भाड़े पे दिया, रेंट पे दिया, हरिओम एवरी मंथ 3 लाख रुपीज है वो रेंट देता है, उसका लीज रेंट देता है। तो बेटा हरिओम क्या करेगा, वो 3 लाख के साथ साथ में अपना 2% टीसीएस भी इनऑर्बिट को देगा, मींस इनऑर्बिट है वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगी 2% की रेट से। लेकिन एक चीज समझना, हरिओम फिर पैसे कैसे कमाएगा, लोगों से जो कार पार्किंग का 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया लेके, और वो फिर पैसे कमाएगा। तो लीज पे भी यहां टीसीएस लगता है। एक और चीज समझना, मोटर व्हीकल जब आप सेल परचेस करते हो उस पर भी टीसीएस आता है, लेकिन मोटर व्हीकल में ध्यान रखना, टीसीएस तभी आएगा जब उसकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, मतलब आपकी मोटर व्हीकल के जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो ही टीसीएस आएगा। अगर अप टू 10 लाख है तो टीसीएस नहीं आएगा। मोटर व्हीकल के केस में 10 लाख से ज्यादा है तो ही टीसीएस आएगा। इसमें एक और चीज समझना, ये जितने भी चीजें अपन ने देखी है ना, ये चीजें अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदू लीव्स, टिम्बर, एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट, आयरन ओर, मोटर व्हीकल को छोड़ के, ये ऊपर वाली चीजें अगर आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदते हो तो टीसीएस नहीं आएगा। जैसे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपने एक बोतल खरीदी, ठीक है, और बोतल के लिए आपने 200 रुपीज का पेमेंट किया, तो क्या आप 202 करना पड़ेगा, अपना पेन नंबर भी देना पड़ेगा साथ में, और टीसीएस, आंसर इज नो। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हो तो टीसीएस नहीं आएगा, लेकिन मोटर व्हीकल में आएगा। मोटर व्हीकल आपने अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी खरीदा तो भी टीसीएस आएगा। मैंने अभी एक कार खरीदी, उसमें मेरे को टीसीएस आया करके। अब एक और चीज समझना आप लोग,
टीसीएस में अगर मान लो ये जो ऊपर जितने भी गुड्स दे रखे थे, ये अगर आप खरीदते हो और ये गुड्स खरीदते हो किसके लिए पता है, और इसको कंज्यूम कर जाते हो किसी और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन में कंज्यूम कर जाते हो और आप ये डिक्लेरेशन देते हो, तो उसमें टीसीएस नहीं आएगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, सिप्ला करके एक कंपनी है, उसने अल्कोहलिक लीकर खरीदा मेडिसिन बनाने के लिए, तो उस पर टीसीएस नहीं आएगा। मतलब वो खरीद के और आप अपने जो भी किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में या पावर जनरेशन में उसको यूज कर लेते हो तो टीसीएस है, वो टीसीएस नहीं आएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। एक और चीज समझना, अगर गवर्नमेंट बायर है या फिर एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट है या हाई इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर द यूनाइटेड नेशन एक्ट 1947, वो जो अगर मान लो बायर है तो उनका टीसीएस है, वो टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर टीसीएस कलेक्ट करेंगे और बायर ने अगर अपना पेन नंबर नहीं दिया, बायर ने पेन नंबर नहीं दिया, तो सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा कौन सी रेट से पता है? जो भी रेट दे रखी है उसका डबल, जो भी रेट दे रखी है उसका डबल और 5%, व्हिचएवर इज हायर। डबल द रेट और 5% विच एवर इज हायर। आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, एक बात समझना, मैंने एक कार खरीदी, तो मैंने एक कार खरीदी, उस पर टीसीएस है, वो कौन सी रेट से लगेगा? 1%। मैंने मेरा पेन नंबर नहीं दिया तो वो टीसीएस कौन सी रेट से लेगा? 5%, क्योंकि 2% और 5% विच एवर इज हायर इज 5%। बट अगर तेंदू लीव्स है, तो तेंदू लीव्स मान लो खरीदी मैंने, तो तेंदू लीव्स के केस में रेट क्या रहती है? 5%। मैंने पेन नंबर नहीं दिया तो वो टीसीएस है, वो 10% से लेगा, रेट का डबल, दैट इज 10% और 5% विच एवर इज हायर इज 10%। 10% की रेट से आगे वाला टीसीएस है, वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब एक और चीज समझना, एक सीबीडीटी का सर्कुलर है मोटर व्हीकल से रिलेटेड, के मोटर व्हीकल के केस में टीसीएस है, वो कौन से केसेस में आएगा, कैसे आएगा, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर होलसेल में जो मोटर व्हीकल सेल होती है, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मैंने अभी एक कार ली मान लो बीएमडब्ल्यू, और मैंने बीएमडब्ल्यू ली नवनीत मोटर, एक नवनीत मोटर है उससे बीएमडब्ल्यू कार ली। अब बीएमडब्ल्यू इंडिया वालों ने इसको क्या बोलते हैं, नवनीत वाले को सेल की, और नवनीत वाले ने फिर मुझे सेल की, तो नवनीत वाला है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की कार, क्या उस पर भी टीसीएस आएगा? आंसर इज नो। सिर्फ जो नवनीत वाला फिर आगे रिटेल में सेल करेगा उस पर ही टीसीएस आएगा, वहां पर जो होलसेल सेलिंग हुई उस पर टीसीएस है वो नहीं आएगा। यह सीबीडीटी का सर्कुलर है। एक और चीज समझना सर, कंसीडरेशन जो 10 लाख का है उसमें मान लो कुछ कैश है और कुछ मतलब चेक है, तो क्या कैश वाले कंपोनेंट चेक उससे कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कंसीडरेशन 10 लाख से ज्यादा है तो टीसीएस आएगा। एक और चीज समझना सर, मान लो कंसीडरेशन है, वो कंसीडरेशन में ऐसा है कि लाइक जो 10 लाख से ज्यादा है तो टीसीएस आएगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ लग्जरी कार पे टीसीएस आएगा? आंसर इज नो, कोई भी मोटर व्हीकल की अगर वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है तो उसमें टीसीएस आएगा। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 10 लाख का जो लिमिट है ये आपका पर ट्रांजेक्शन है या पूरे साल में मिला के ट्रांजेक्शन? जैसे मैंने आज एक 7 लाख की कार खरीदी, मैंने 10 दिन बाद वापस 7 लाख की वहीं से कार खरीदी, तो क्या टीसीएस आएगा? आंसर इज नो, पर ट्रांजेक्शन देखा जाएगा। अगर पर ट्रांजेक्शन है वो 10 लाख से ज्यादा है तो ही टीसीएस आएगा, अदरवाइज टीसीएस है वो आपका नहीं आएगा। अब एक और बात समझना, यहां टीसीएस तभी आता है जो सेलर होता है ना, वो सेलर क्या, सेलर जो है वो सेलर का लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा थी तो ही वहां पे टीसीएस आता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक टीडीएस एंड टीसीएस। बेटा 1.5 घंटा लग गया हमको टीडीएस टीसीएस रिवाइज करने में, बट मैंने मेरा बेस्ट दिया करके, ठीक है, बहुत सारी चीजें जितनी थी वो सब आपको बता दी। होप सो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को तो आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हो करके, ठीक है। सो गाइज, लास्ट आपको जो हर बार मैं मैसेज देता हूँ, अपना ध्यान रखना करके, ठीक है, और पढ़ाई करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना करके, ठीक है। आपके पास ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोग रहेंगे जो आपको नेगेटिविटी फैलाएंगे बहुत सारी, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, उसमें ये दे रखा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दूर रहो सबसे करके, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो सबसे बेस्ट कर रहे हो, आप जो है वो सिर्फ आप अपने खुद से बात करो, खुद से पूछो, खुद जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने का, किसी भी कोई भी लोग क्या बोलते हैं तिल लेने का करके, ठीक है। वो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ठीक है, इतना पढ़ पढ़ के मतलब 8 सब्जेक्ट है आपके पास, हर चीजों को आपको मैनेज करना है और ढंग से मैनेज करो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो करके, ठीक है, और उसके हिसाब से पढ़ाई करो, आराम से पास हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट। और हो सकता है इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने वाली है 2-3 दिन में, तो जैसे ही आपको इलेक्शन की डेट आएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा आपका एग्जाम है वो कब होने वाला, हाई प्रोबेबिलिटी है आपका एग्जाम है वो जून में रहेगा, बिकॉज इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन की डेट मंडे या ट्यूजडे को मोस्टली आ जाएगी और उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, चलो जो भी है, बट डोंट वरी, डेट आने के बाद आपको पता चल जाएगा, बट ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, अपना ध्यान रखो और अपनों का ध्यान रखो और हेल्थ का ध्यान रखो,
और अच्छे से पढ़ाई करो, खुश होके पढ़ाई करो, मोटिवेट होके पढ़ाई करो। बहुत बार ऐसा होता होगा कि पूरा दिन चला जाता है और कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, ऐसा होता है। ये होता है 15-20 दिन में एक दिन ऐसा निकलता है जब आपका पूरा दिन चला जाता है, बहुत नेगेटिव हो जाते हो अपने आप में करके, ठीक है, और फिर पढ़ाई नहीं होती। ऐसे केसेस में क्या करने का, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अपने मम्मी पापा से बात करो, किसी रिलेटिव से बात करो, जो आपको जो पसंद है उससे बात करो, मतलब जो भी आप जिससे बात करना पसंद करते हो उससे आप बात करो, ठीक हो जाता है। बट ऐसा होता है, इट्स नेचुरल, सबके साथ होता है ऐसा करके, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। और बहुत बार ऐसा लगेगा, और मैं बता दूं अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिकॉज अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो बहुत टाइम खराब कर जाओगे। बहुत बार बच्चों के मैसेज आते हैं, सर पढ़ाई नहीं हो रही है, दो दिन से कुछ नहीं हो रहा है, बुक रखते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पढ़े, वो तो ये बोल रहा है, वो तो ये बोल रहा है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है करके, ठीक है, जैसे दुनिया को पता है पेपर आने वाला क्या है करके, ठीक है, ये सब झूठ है करके, सिर्फ लोगों को डराने की तरकीबें है, स्टूडेंट्स को डराने की। बहुत सारे प्रोफेसर ने बोला पेपर इतना डिफिकल्ट आएगा कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, इंस्टीट्यूट को पास करना है या नहीं करना, इंस्टीट्यूट को रिजल्ट रखना है या नहीं रखना, रखना है करके, ठीक है। और हमेशा जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो मार्किंग अच्छी होती है, और जब डिफिकल्ट है तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, इजी है तो पूरे इंडिया के लिए इजी है। लास्ट टाइम के पेपर में आप देखोगे डीटी ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट मार्किंग है वो अच्छी हुई है। आईडीटी बहुत ज्यादा इजी था, आईडीटी बहुत ज्यादा इजी था, जिनको लग रहा था 72 आएंगे उनके 32 आए हैं करके, ठीक है। तो आप अपना काम करो, आप अपने कर्म पे ध्यान दो, क्या होगा इंस्टीट्यूट क्या करेगी वो सब छोड़ दो। कृष्ण भगवान बोल के गए थे, ठीक है, कि आप जो अपना कर्म है ना, आप जो आज कर रहे हो ना, उस पर फोकस करो, क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट क्या आएगा, पेपर कैसा आएगा, वो सब भगवान पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वापस मिलते हैं।